मोड में डालता हूँ इसको। ओके ये हो गया 62। 63, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। ओके 62 पढ़ेंगे। 108 कौन है यहाँ पे? 108, हु इज 108, हु इज 108, 108 कौन है? कोई नहीं है, एब्सेंट लगा दीजिए। चैतन्य कौन है यहाँ पे? NOI चैतन्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए अनुवाद 62 का। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ओके दिस इज 62। 63 पढ़िए। 108 ऑनलाइन आ गया अभी? हु इज 108? कहाँ चले गए 108? हाँ अंशु माता जी है क्या? सॉरी मनोरमा शर्मा माता जी, ठीक है। दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम प्रभु जी पढ़िए। या ओके माता जी पढ़िए, अंशु माता जी पढ़िए 63 नंबर का श्लोक का अनुवाद पढ़िए। 63, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति अविभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव रूप में पुनः गिर जाता है। ओके पढ़ लिया आपने? मैं थोड़ा फैन स्लो करने गया था। दोबारा पढ़ूं? नहीं 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 चलेगा, मैं तो यहाँ पे बुक में पढ़ ही रहा हूँ, आप लोगों ने सबके लिए पढ़ लिया। ओके फाइन, थैंक यू। तो देखिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं गीता के द्वितीय अध्याय में। जैसे कि मैंने पहले कहा कि डॉक्टर पेशेंट को समझाने के लिए एग्जांपल देता है, दवाई लोगे तो क्या होगा भैया, अगर दवाई नहीं लोगे तो क्या होगा आपके साथ, दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। और ये जो बीमारी है इनिशियल स्टेज में जब रहती है तो उसको इनिशियल स्टेज में ही अगर ठीक कर दिया जाए तो पूरी तरह ठीक हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वो एडवांस स्टेज में चली जाएगी बीमारी और आप उसको निग्लेक्ट करते जाएंगे तो एडवांस स्टेज में इसको कंट्रोल करना या ठीक करना कठिन हो जाता है, बाद में वो टर्मिनल डिजीज भी हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए देखिए ये सीरीज़ है पूरा, अब आप चाहे तो वहाँ पे लिख सकते हैं, या आपके पास ये है यहाँ पे शब्द दोनों 62 और 63 में दिए गए, वन लाइन बाय लाइन आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या होती है? ध्यायतो। ध्यायतो यानी कि ध्यान देना, कंटेम्पलेशन करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्पलेशन। सबसे पहले क्या होगा? ध्यान। आप मंत्र तो लिखिए, ध्यायतो यानी कि ध्यान देना सबसे पहला। टोटल 8 स्टेजेस हैं। अब एक्चुअली ये क्या है, जैसे कोई सक्सेस सूत्र रहता ना, किसी भी फील्ड किसी भी चीज़ का एक सक्सेस फॉर्मूला रहता है, सक्सेस सूत्र, वैसे ही ये कौन सा सूत्र है? फॉल डाउन सूत्र। अगर आपको फॉल डाउन कराना है, अपना पतन कराना है, तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वन बाय वन बाय वन, तो आपका निश्चित गारंटेड 101% पतन होगा ही होगा। तो सबसे पहला स्टेज है ध्यायतो। अब ध्यायतो करने से क्या होता है, आप किसी भी चीज को के ऊपर अगर ध्यान करेंगे, मतलब आप उसका संग ले रहे हैं, तो ध्यायतो करने की वजह से क्या हो जाएगा? ध्यायतो विषयान पुंस संग। इसलिए देखिए सेकेंड शब्द आया है संग। संग यानी कि आसक्ति, राइट? ओके यहाँ पे तो डायरेक्ट लाइन टू लाइन लिख दिया, आसक्ति उपजित हो जाती है। तो पहला क्या हो गया? ध्यान। ध्यान देने से आप क्या करेंगे? किसी चीज का संग लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर और ओके माइक म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, श्याम वनमाली प्रभु। ओके आप अभी माइक से थोड़ा आना सकते हो जाइए कुछ समय के लिए। तो सबसे पहला आप संग करेंगे किसी चीज का, उस चीज सॉरी ध्यान करेंगे उस चीज के ऊपर। ध्यान करने से क्या हो जाएगा? अब संग के सॉरी मैंने बताते समय ऐसा संग हिंदी वाला बता दिया, लेकिन संग का यहाँ पे अर्थ है ऐसे आसक्ति होना, राइट? संगा संगा संगोपश अभी इसको कैसे बोलेंगे, संगतेशु उपजायते अगर विच्छेद करेंगे आप तो ध्यान करने से संग होगा। संग यानी कि अपना हिंदी वाला संग, एसोसिएशन। जिस चीज का जैसा हम संग करेंगे वैसा हमको रंग चढ़ने वाला है, राइट?
तो आपने संग, आपने एक चीज के ऊपर ध्यान किया, उसका आपको संग मिला, उसके लिए संस्कृत वाला संग क्रिएट हो गया, यानी कि आसक्ति हो गई उस चीज से आसक्ति हो गई आपको। देखिए किसी भी चीज को आप जितना ज्यादा देर इस्तेमाल करते हैं उतना उस चीज से आप आसक्त होते जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं? आप अगर अभी जूम यूज कर रहे हैं, तो मैंने जैसे गूगल मीट बोला था आपको, तो बहुत सारे लोगों को गूगल मीट का नाम सुनते ही परेशानी होने लगी, अरे गूगल मीट नहीं यूज करेंगे, नहीं 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 नहीं। हालांकि बीच में एक किसी का आया था कि अरे भाई ये जूम मुझे परेशान कर रहा है, मैं अपलोड कर रहा हूँ डाउनलोड कर रहा हूँ हो ही नहीं रहा है, राइट? वो तो बाद में, ये जो आगे जाएगा सूत्र आगे बढ़ेगा पतन होने की सीरीज में, तब वो बीच में आएगा। लेकिन अगर किसी चीज का हम संग लेते तो उसे आसक्ति बन जाती है, राइट? अब वो मालूम नहीं चीज की हमको अच्छी है या बुरी है, लेकिन आसक्ति हो जाती है उसके साथ, राइट? तो सेकंड स्टेज हो गया, संग हो गया, ध्यान हो गए सबसे पहला, उसके उसकी वजह से आपका संग बढ़ गया, अटैचमेंट हो गई। अब क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। आपने किसी चीज के ऊपर ध्यान किया, उसका संग लिया, संग करने की वजह से संग तैयार हो गया, संस्कृत वाला संग, आसक्ति हो गई उस चीज से। आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? दो संग मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक हिंदी वाला संग और एक संस्कृत वाला संग। हिंदी वाला संग मतलब साथ ले, साथ में रहना किसी के, और उसकी वजह से संस्कृत वाला संग तैयार हो जाएगा, आसक्ति। अब जैसे ही आसक्ति तैयार हो जाएगी, उससे क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। अब आप बोलेंगे क्रोध कैसे उत्पन्न होगा आसक्ति से? आसक्ति, श्याम वनवाली प्रभु और सेवा कुंज माता जी, आप लोगों के माइक ऑफ कीजिए, कोई भी यहाँ पे डिवोटी माइक को ऑन मत रखिए कृपया करके, ओके। तो अभी आसक्ति से काम के बीच कड़ी क्या है? देखिए क्या होता क्या है, जब भी आपके मन में, शुरू से लीजिए, आप किसी चीज का संग लेते हैं, उस संग से आपको आसक्ति होती है। आसक्ति होती है कि आप उस चीज को भोगना चाहते हैं, राइट? अब उस चीज को भोगने के लिए या उस चीज का एंजॉय करने के लिए आपको हर समय फेवरेबल एटमोसफियर नहीं मिलेगा, फेवरेबल सिचुएशन नहीं मिलेगा। क्या हो जाएगा, आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएंगे। समझो आपको अगर पूरी खाना है, गर्मा गर्म पूरी चाहिए, ठीक है, पूरी सब्जी खानी है, नॉर्थ में पूरी सब्जी काफी फेमस है, तो लेकिन क्या हो जाएगा कि आपको क्या है, हार्ट का प्रॉब्लम है, या फिर डिटेक्ट हुआ है आज ही कि अरे बाबा आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया है, आप तेल वाला आइटम खा नहीं सकते। तो फिर क्या हो जाता है, समझो अभी घर में अगर आपके कुछ फेस्टिवल है और बना दिया पूरी भाजी एकदम बढ़िया, या महाराष्ट्र में सूखी सब्जी बनती है आलू की, आपके उधर गीली बनती है, राइट, रस्से वाली बनती है यहाँ भी पूरी भाजी फेमस है, लेकिन यहाँ पे सूखी सब्जी रहती है, वहाँ पे गीली रहती है। तो समझो एकदम बढ़िया आलू की सब्जी और पूरी बनी है, और माता जी सबको परोस रही है, गेस्ट जितने भी आए हैं, और आपने भी प्लेट लिया, तो माता जी बोलेगी क्या है इसको, वहाँ पे रखिए, वापस रखिए, आपके लिए सूखी रोटी बनाई है फुलका बनाया आपके लिए, वो खाइए आप। तो आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखिए ये सीरीज है, ये फॉलो करता ही है। आपके मन में इच्छा है, अगर वो पूर्ण नहीं हुई तो आपको गुस्सा आना ही आना है। दिस इज थर्ड स्टेज। अब देखिए क्या होता है, तो संग लिया हमने, संग से आसक्ति हो गई, आसक्ति से काम उत्पन्न हुआ, ओ सॉरी बीच का मैं कड़ी बताना भूल गया लेकिन आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना मेरे को, आप लोग बताइए अगर मैं कहीं यहाँ पे एक एक स्टेज अगर चूक रहा हूँ तो। सबसे पहला स्टेज क्या है, संग, ध्यान करना, ध्यान करने से आसक्ति होना, आसक्ति की वजह से काम उत्पन्न होना, इच्छा पूरी खाने की इच्छा हो गई, लेकिन वो अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आ जाएगा। तो हमने अभी तक कितने स्टेज पूरे कर लिए, एक पहला हो गया ध्यान का, दूसरा संग, तीसरा काम यानी कि इच्छा, और चौथा क्रोध, जो कि ये 62 में बताया गया है, ध्याय तो विषयान पुंस संगात तेषु जायते। ध्याय तो करेंगे तो संग उत्पन्न होगा आसक्ति, संगात संजायते काम, संग से काम उत्पन्न होगा, क्योंकि इच्छा है खाने की लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो रही है, काम पूर्ण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा। सबको ये स्टार स्टेज मालूम पड़ गए, सबको मालूम पड़ गए, हाथ ऊपर कीजिए अगर मालूम पड़ गए तो, नहीं मालूम पड़े तो हाथ ऊपर मत कीजिए, वापस समझाएंगे आपको। अयोध्या लीला माता जी, नहीं समझा आपको, अयोध्या लीला माता जी आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, आपको समझा माता जी? हरे कृष्ण,
यस, समझ में आया? नहीं समझ में। हाँ तो आप शर्माइए मत, डरिए मत, मैं यहाँ किसी को पनिशमेंट नहीं देने वाला हूँ। अयोध्या लीला माता जी और श्याम वनवाली प्रभु, आप दोनों साथ में रहते हैं ना? ओके, आज अलग अलग कैसे हो गए आप? अच्छा ये श्लोक चल रहा है इसलिए संग नहीं करना है, अनासक्ति बना रहे ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है कोई बात नहीं। ओके यस, मजा कर रहा हूँ मैं। और कुछ लोग दिख नहीं रहे, पता नहीं उनको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। एनीवे लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले देखिए, हम किसी चीज के ऊपर, समझो आप मार्केट में जा रहे हैं, बाहर घूमने के लिए चले गए, आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में जाते जाते रास्ते में क्या दिखा आपको? आइसक्रीम की दुकान दिख गई, आपने आइसक्रीम को देख लिया, जस्ट देख लिया, एक बार देखा, दो बार देखा, तीसरी बार देखा, पतन हो गया। वो कहते हैं ना कि पहली जो साइट रहती है वो इग्नोरेंट रहती है, दूसरी रहती है वो इनोसेंट रहती है, और तीसरी मार डालती है, वो खत्म कर डालती है, तीन नजरों में काम खेल खलास। तो पहली अगर रहेगी तो ठीक है कोई बात नहीं, अनजाने में नजर चली गई, लेकिन दूसरी जानबूझ के गई, और तीसरी सही में जानबूझ के गई, इतनी जानबूझ के गई कि वो मुझे चाहिए चाहिए। तो चीज को हम देखते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान कर सुनिए अयोध्या लीला माता जी, चीज को हम देख, किसी भी वस्तु को देखते हैं, देखने से क्या हो सकता है, आपके मन में उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है उसका संग लेने से। अब आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हो गई, लेकिन आइसक्रीम खाना नहीं है आपको, आपको सर्दी हो गई है, कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना के टाइम में ठंडी चीज नहीं खाई जाती, राइट? तो आप आइसक्रीम लेने जाएंगे, लेकिन वहां से पुलिस वाला आएगा, बोलेगा ये क्या चल रहा है यहाँ पे, आइसक्रीम खाने का टाइम है क्या, नहीं खा सकते आप? आपको तुरंत गुस्सा आएगा, तुझको देखूंगी मैं, आपको आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो संग हुआ, ध्यान हुआ, ध्यान से आसक्ति हुई, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न हुई, काम काम पूर्ण नहीं हुआ, गुस्सा आ गया। ओके अभी 63 में जाइए, तो अभी जब गुस्सा आएगा तो गुस्सा से क्या होने वाला है, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। अब आप बोलेंगे ये मोह क्या है और क्रोध से मोह कैसे उत्पन्न होता है? सी, क्रोध जो है वो तमोगुणी है। क्रोध क्या है? क्रोध इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, डिजायर इज इन द मोड ऑफ पैशन। इच्छा रजोगुणी है, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होने वाली है तो उससे गुस्सा आ गया, गुस्सा तमोगुण में आपको स्थित कर देता है, उसकी वजह से आपकी बुद्धि तामसिक हो जाती है, यानी कि मोहमयी बन जाती है। तो पांचवा स्टेज है सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह। सम्मोह से क्या होता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट इल्यूजन। समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या नहीं करूं, राइट? बिकॉज यू आर सिचुएटेड नाउ इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण के अगर आप 14वें अध्याय में जाएंगे तो लक्षण ये है कि आपको समझ में नहीं आता सही क्या है गलत क्या है, यू डोंट अंडरस्टैंड, राइट? अब क्रोध क्रोधात भवति सम्मोह। अब ऐसा सम्मोह होने से क्या होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, यानी कि हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेशन दिया है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। यानी कि सही क्या है गलत क्या है वो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो पांचवा स्टेज था सम्मोह, छठा स्टेज था स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम होने से क्या हो जाता है, स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशत, आपका टोटल बुद्धि जो है, एक्चुअली ये तीनों देखा जाए तो सेम ही है, आप बोलेंगे सेम ही है, मोह से मतलब क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह मतलब क्या बुद्धि खत्म होना, मोह से स्मरण शक्ति जाना मतलब बुद्धि खत्म होना, और फाइनली अल्टीमेटली स्मरण शक्ति खत्म होना, ये थोड़ा ग्राफिकली बता रहे हैं, इसलिए आपको सेम है लेकिन डिफरेंट भी है, राइट? तो पहले मोड ऑफ इग्नोरेंस आएगा, दैट इज मोह, एंड देन मोह से स्मरण शक्ति आपकी डिस्टॉर्ट होना चालू हो जाएगी, सही क्या गलत क्या समझ में नहीं आएगा, और फिर फाइनली स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशत, बुद्धि का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और बुद्धि जैसे नाश हो जाएगी तो आठवां स्टेज क्या है, प्रणश्यति, बुद्धिनाशत प्रणश्यति, यानी कि कंप्लीट फॉल। यस श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जी बताइए। जी आपने जो बताया चौथे के बाद क्रोध के बाद मोह जो हुआ वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, वो कैसे बताया आपने? मतलब क्रोध से मोह में कैसे गया? जी जी हाँ,
देखिए क्रोध जो है आपको, इच्छा जो है रजोगुणी में स्थित रहती है, इच्छा जो है रजोगुणी है, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ पैशन में एटलीस्ट समझ में आता है व्यक्ति को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे रजोगुणी व्यक्ति है वो अपने बॉडी को फिट रखता है कि नहीं, वो जानता है अरे अगर मैं रात को नहीं सोऊंगा तो तबियत खराब हो जाएगी, अरे ठीक से खाना नहीं खाऊंगा तो तबियत खराब हो जाएगी। और जो तमोगुणी व्यक्ति रहता है, रास्ते में गिरा हुआ पागल जो शराबी है, उसको क्या पड़ी है, कुछ समझ में नहीं आता, मैं गटर में गिर जाऊं, मेरे ऊपर से गाड़ी चली जाए, उसको कुछ होश ही नहीं रहता किसी चीज का, बिकॉज ही इज कम्प्लीटली इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब इच्छा पूरी न होने की वजह से काम हुआ, काम रजोगुण में है, लेकिन वही इच्छा और मतलब पूरी होने वाली नहीं, भौतिक इच्छा कोई भी पूरी होती नहीं है, तो डिग्रेड होके देखिए, क्योंकि क्या ये प्रोग्रेशन है, जो मोड है नीचे 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 आता जा रहा है। तो समझो पहले व्यक्ति सत्वगुण में था मार्केट में जाने के पहले, लेकिन मार्केट में जाते ही रजोगुणी बन गया, रजोगुण से तमोगुण में आ गया, जब गुस्सा, जब इच्छा पूरा नहीं हो तो क्या होगा, गुस्सा में आ गया, और गुस्सा क्या है, तमोगुणी है। तो तमोगुण में क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है। मोह यानी कि यहाँ पे सिंपल भाषा में ले सकते हैं आप, क्या लिखा है यहाँ पे, ओके आप में से कोई समझाना चाहेंगे समझाइए। यस नित्य सखी माता जी और प्रभु जी आप समझाइए, आप दोनों काफी डिस्कस करते रहते हैं, काम से क्रोध और क्रोध से मोह कैसे हो गया बताइए। जब क्रोध उत्पन्न होगा प्रभु जी, तो फिर उससे क्या आप सही तरीके से सही गलत का डिसीजन नहीं ले सकते ना, यस उसी को मोह बोलते हैं आप। हाँ सही सही वही चीज है, पर इल्यूजन का मतलब है वही है कि आप जैसे आपको क्या सही लग रहा है, अब आप क्रोध में हैं गुस्से में हैं तो आप सही निर्णय नहीं ले सकते कि कोई जैसे कोई आया आपके पास और किसने गलत किया किसने सही किया है इस बात का डिसीजन, क्योंकि आप बायस्ड हो गए और बायस्ड होके वो एक एक क्रोध है आपके अंदर, तो आप वो सही डिसीजन नहीं ले सकते, तो इंटेलिजेंस आपका डाउन है उस समय, वही ये चीज है इसका। सही डिसीजन लेने के लिए हमारा इंटेलिजेंस सत्वगुण में स्थित होना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, इंटेलिजेंस परफेक्ट होना चाहिए। ज्ञायता मींस कंटेंप्लेशन पहले आता है, और जब कंटेंप्लेशन आता है तो हमें अटैचमेंट होता है उस चीज से, और जब हम अटैच होते हैं तो हम क्या डेवलप करते हैं, डिजायर, और फिर डिजायर के बाद हमें वो पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, तो होता है एंगर, फिर हम डेवलप करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया मेरी बच्चा है, बच्चे की इच्छा हुई कि मुझे आइसक्रीम खाना है, मम्मी पापा ने मना किया, उसको क्रोध जागृत होता है, और फिर क्रोध से उसको और इच्छा प्रबल होती है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, और वो फिर उसके मतलब उसको मोह रहता है। ठीक है, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, जस्ट टू समराइज, फ्रॉम मोड ऑफ पैशन इट गोज टू द मोड ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मीन्स ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, एंड दैट फॉलोज सिक्वेंशियली इनटू क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृति विभ्रमात। स्मृति जो है यानी कि जो गुरु साधु शास्त्र, स्मृति मतलब बेसिकली जो गुरु श्रुति से जो सुना हुआ है, गुरु साधु शास्त्र, वो सब डिसअपीयर हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश से क्या हो जाता है, अल्टीमेटली प्रणश्रुति फॉल हो जाता है। तो ये 8 स्टेजेस हैं, अगर किसी को अपना पतन करवाना है तो इसको फॉलो करते जाइए मार्केट में जाने के बाद, लेकिन यही एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। यही चीज अगर आप कृष्ण के साथ करेंगे तो लास्ट का जो आइटम है वो चेंज हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ प्रणश्रुति प्रसिद्धति हो जाएगा वो। तो हमको डिस्कस करेंगे उसको आगे जाके। यहाँ पे किसने हाथ रेज किया था? यस बोलिए दिव्य प्रेम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी मोह और आसक्ति में क्या अंतर है, ये समझ नहीं आ रहा कुछ। एक मिनट, एक जैसे ही टर्म लग रहे हैं, अलग अलग है वो। मोह और आसक्ति, आसक्ति मतलब क्या, आसक्ति हो गई आपको किसी चीज, ऑफकोर्स दोनों इंटरलेटेड आप बोल सकते हैं कि मोह की वजह से आसक्ति होती है और आसक्ति की वजह से मोह होता है, राइट? लेकिन पहले कौन आता है? आसक्ति, आसक्ति आती है, राइट? या फिर ठीक है, ज्यादा एनालाइज मत कीजिए, इट विल लीड टू पैरालिसिस। अभी यहाँ पे जस्ट श्लोक को सिक्वेंशियली फॉलो करते जाइए, अदरवाइज क्या है, बोलेंगे कि पहले मुर्गी आई है पहले अंडा आया,
मुर्गी और अंडा दोनों कहां से आए हैं? भगवान से आए हैं, ठीक है। ओके, लेट्स फॉलो दिस स्टेजेस। अभी देखिए प्रॉब्लम यहां पे क्या है, इट बिगिंस विथ अ पासिंग अटेंशन। पासिंग अटेंशन मतलब क्या, जैसे मैंने बताया आप जैसे मंदिर की तरफ आ रहे हैं, पासिंग अटेंशन मतलब जस्ट एक देखने के लिए झलक मार दी, लेकिन वो झलक झलक नहीं रही, इट बिकम मोर देन अ पासिंग अटेंशन, राइट। फ्रॉम देयर इट्स पूरा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और आज आप अगर देखेंगे आज के जो पूरी मॉडर्न इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री या फिर मीडिया जो है, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। गीता के 62 और 63 श्लोकों को उन्होंने अपनाया है मार्केटिंग करने के लिए। आप नहीं समझे आज तक, या मैं भी नहीं समझाऊं, या समझते हैं तो भी हम भ्रम में रहते हैं कि नहीं समझ रहे हैं, राइट। तो देखिए सॉरी, देखिए जनरल लोग क्या बोलते हैं कि आज के मॉडर्न सोसाइटी में लोगों के पास क्या है, फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना अपनी, सबके पास फ्रीडम है चूज करने का, मुझे क्या चाहिए मुझे क्या नहीं चाहिए, है कि नहीं, सबके पास चॉइस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अभी आदमी वही चूज करेगा जो उसके सामने दिखेगा, सही है कि नहीं, और सामने क्या देने का और क्या रखने का ये कंट्रोल कौन कर रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन, यही सब लोग इसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। बॉलीवुड कर रहा है प्रभु जी, बॉलीवुड, यस बॉलीवुड, क्योंकि यस बॉलीवुड कर रहा है, हॉलीवुड कर रहा है। अब देखिए बॉलीवुड कर भी रहा है, लेकिन बॉलीवुड को प्रमोट कौन कर रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्री, तो बड़े बड़े बिजनेस में वही कर रहे हैं ना बेसिकली। बॉलीवुड तो बॉलीवुड है, लेकिन अगर पिक्चर का 10 जगह पे होर्डिंग नहीं लगाया जाएगा, बोर्ड नहीं लगाया जाएगा, तो कौन देखने जाएगा उसको, इतना एग्रेसिवली एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा सोशल मीडिया में, इंटरनेट में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, तो कौन देखने जाएगा उसको। आप अगर एडवर्टाइज करेंगे हरे कृष्णा फेस्टिवल का तो लोग आएंगे, लेकिन आप एडवर्टाइज किसका कर रहे हैं, माया का कर रहे, तो माया के पास माया आएगी हमारे पास। आपके प्रश्न का उत्तर, उस दिन आपने प्रश्न किया था ना कि गीता का सिलेबस में होना चाहिए, गीता को आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसकी बिगिनिंग यहाँ से होती है। व्हेन वी एडवर्टाइज इन द मार्केट, व्हाट एवर वी एडवर्टाइज दैट इज गोइंग टू कम टू योर प्लेस, क्योंकि आप उसका क्या कर रहे हैं, संग ले रहे हैं। देखिए इंसान की ये जो प्रवृत्ति है ना, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है यहाँ पे मॉडर्न मीडिया या फिर जो आज के आधुनिक बिजनेसमैन या जो भी लोग हैं, ये हमारे जो हमारे जो जीव जो है ना इस जगत में, बद्ध जीव है, उसकी इच्छाएं क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन, इन चार चीजों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। ये सब लोग जानते हैं कि ये तो क्या है, ये तो मंदिर की तरफ थोड़ी अट्रैक्ट होने वाला है, मंदिर की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए कितना प्रयास लगता है, ऐसे थोड़ी कोई मंदिर की तरफ अट्रैक्ट होता है, होता है क्या ऐसे, कोई नहीं होता है ना, हम सब लोग ऐसे अट्रैक्ट हो गए क्या, ऐसे अट्रैक्ट हो गए हम लोग, नहीं ना। अरे आप लोग तो ऐसा देख रहे हो जैसे सब लोग एकदम सब दूध के धुले हुए हैं, सलाम है आप लोगों को, मैं ही केवल अरे भाई हम लोगों को मंदिर में कौन लेके गया, कैसे लेके गया, आपको याद है कि नहीं, आज तक, आज तक मतलब आज तक चैनल पे मत जाइए, अब तक याद है कि नहीं, हम लोग क्या ऐसे ढूंढने के लिए गए थे क्या, भगवान किधर है, दो मुझे भगवान दो, मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूँ, नहीं ना, कि कोई हमको बैला फुसला के लेके गया, यार तुझे मालूम है बहुत बढ़िया प्रसाद मिलता है वहाँ पे, प्रसाद भी नहीं बोला होगा, लंच वो एक नंबर मिलता है, तुझे मालूम है वहाँ पे इतना सुंदर गार्डन है ना, गार्डन में मायापुर में जाओ, गार्डन इतना बढ़िया गार्डन है, गार्डन बैठो को क्या आनंद आता है, राइट। तो हमको सब मटेरियल प्रलोभन देके खींचा गया है, बाद में हमारी स्पिरिट बुद्धि थोड़ी थोड़ी प्यूरिफाई होने लगी तो हमको भी समझ में आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, यस प्रभु जी बोलिए। तो इन इनिशियल स्टेजेस टू मी प्रसाद मींस इस्कॉन, आपको आवाज इस्कॉन डजंट मीन एनीथिंग एल्स, बट लेटर ऑन आई बिकम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इस्कॉन प्लस, यस यस यस, इनिशियल स्टेज मतलब प्रसाद, ओनली प्रसाद, राइट, आपका यही कहना है ना। प्रभु जी प्रसाद के थ्रू भगवान हृदय में जाते हैं, हाँ, और प्रसाद के थ्रू भगवान हृदय से बाहर निकल भी जाते हैं, ये भी याद रखिए, प्रभुपाद आगे बताएंगे ये, आपने अननेसेसरी ज्यादा प्रसाद लिया तो आपको पतन हो जाएगा, आपके सेंसेस कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो सेम प्रिंसिपल, यस, नेक्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन आपने पढ़ा है, तो ऑफकोर्स प्रसाद आज भी हमारे लिए
मतलब कृष्ण है, अगर आज भी आप लोगों को बोला जाए प्रोग्राम के बाद प्रसाद नहीं मिलेगा तो कितने लोग प्रोग्राम में आएंगे? नहीं आएंगे ना आप लोग प्रोग्राम में, राइट? यू आर कमिंग टू द प्रोग्राम बिकॉज यू नो प्रोग्राम के बाद प्रसाद मिलने वाला है, हलवा मिलेगा, खिचड़ी मिलेगी, जो भी मिलने वाला है, राइट? तो एनीवे, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि लोगों के पास फ्रीडम तो है किसी भी चीज को चॉइस करने का, बट दैट चॉइस इज मैनिपुलेटेड बाय मॉडर्न मीडिया। बेसिकली जो आज के जो बड़े बड़े जाइंट बिजनेसमैन है वही सब इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो हमारी टेंडेंसी है आहार निद्रा भय मैथुन इन सब को एक्सप्लॉइट कर करके हमको हमारे सामने वही ऑप्शन रखे जा रहे हैं जो जिसमें हमारी ज्यादा आसक्ति हो सकती है। आपके सामने ये तो नहीं एडवर्टाइज आता ना पेपर में कि जन्माष्टमी है या मंदिर में अभिषेक है आप आइए, ऐसा तो कोई एडवर्टाइज देता नहीं है क्योंकि लोगों को मालूम है कि इतने जल्दी अट्रैक्ट होने वाला नहीं है, लेकिन उस चीज को तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा अगर कुछ एडवर्टाइज आएगा आज यहाँ पे बड़ा बड़ा पार्टी होने वाला है, फ्री में शराब बटने वाली है, सब लोग भाग जाएंगे वहां पे, मतलब आप लोग नहीं जाएंगे। तो जो बद्ध जीव है उसको आकर्षण है, राइट? इसलिए देखिए एक सुंदर केस स्टडी बताया था चैतन्य चरण प्रभु ने, मतलब अभी का नहीं कुछ कई सालों पुराना है, कि एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाला एक सोल्जर था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो आतंकवादी से लड़ते हैं ना, तो उनसे लड़ते लड़ते वो घायल हो गया थोड़ा, तो उसने क्या किया कुछ एलोपैथिक मेडिसिन लिया, उससे ठीक नहीं हुआ, तो बाद में उसने सोचा कि ठीक है चलो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया और उससे ठीक हो गया। लेकिन जब वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का बिल लेके गया ना, जो गवर्नमेंट का जो जो भी मेडिकल उनका आर्मी का रहेगा वहाँ पे उसको पास करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आयुर्वेदिक बिल नहीं चलेगा। क्या चलेगा? केवल एलोपैथी बिल ही चलेगा। अब ये अपनी कंट्री में जहाँ पे आयुर्वेद जनरेट हुआ, ओरिजिन हुआ, अपनी कंट्री में ये हालत है। क्यों? क्योंकि एलोपैथी को इतना एग्रेसिवली एडवर्टाइज किया जा रहा है, और कई ऐसे देश है जहाँ पे आयुर्वेद को बैन भी किया जाता है, बैन भी किया गया है। तो ऑफकोर्स मेरे बताने का ये नहीं था कि एलोपैथी या आयुर्वेद कौन सा अच्छा है, मेरे बताने का ये तात्पर्य है कि दोनों अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, लेकिन जो ज्यादा मार्केट में एडवर्टाइज किया जाता है वही ज्यादा प्रोपेगेट होता है। जैसे हिटलर ने कहा है, हिटलर वो कहता था कि इफ यू टेल अ लाई बोल्ड इनफ लाउड इनफ लॉन्ग इनफ देन इट बिकम्स अ ट्रूथ, मतलब कोई भी झूठ अगर ज्यादा जोर से बोला जाए और ज्यादा शक्ति से बोला जाए और ज्यादा समय के लिए बोला जाए तो वो सच माना जाएगा। और एक्चुअली ऐसा ही है ना, इतने सारे जो समाज में लोग हैं जितने भी वो सब तो यही तो कर रहे हैं। हिटलर इतना सा देखने के लिए था, पतला आदमी, लेकिन पूरे देश को कंट्रोल किया उसने। किससे कंट्रोल किया? स्पीच से कंट्रोल किया अपने। इतने सारे लोग आए और सब जीव लोगों को मार डाला, कैसे मार डाला? दिस इज पावर ऑफ स्पीच इन ए नेगेटिव वे, राइट? तो इसीलिए ये जो धैतु विषान प्रिंसिपल है इसके लिए हम तो जिम्मेदार ही है, लेकिन समाज में जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है लोग हमको क्या कर रहे हैं, बकरा बना रहे हैं, बलि का बकरा, हमको वही दिखा रहे हैं जिससे हम बद्ध हो जाएंगे, पतन हो जाएंगे, क्योंकि हमारा पहले से उसमें क्या है, आसक्ति है, वो जानते हैं सब लोग, राइट? अब शास्त्र में अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे भी उदाहरण है, जैसे चार पांच केस है, जैसे सबसे पहले उदाहरण है विश्वामित्र मुनि का। यानी कि देखिए ये बताता है कि धैयतो विषयन जो प्रिंसिपल है फॉल डाउन का, वो पक्का प्रिंसिपल है। वो कोई भी व्यक्ति हो अगर वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो उसका पतन होना ही होना है या डिस्ट्रैक्ट उसको होना ही होना है। जैसे विश्वामित्र मुनि थे, वो किसका मार्ग अपना रहे थे, योग का, राइट? योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब अपना ध्यान हटा दिया या हट गया या डिस्ट्रैक्ट हो गए वो, क्योंकि इंद्र भी उस टाइम के बड़े बिजनेसमैन थे, अभी भी है, वो जानते हैं कि जीव का पतन करवाना है तो उसकी किस में आसक्ति जानते हैं, इसलिए वही चीज को भेज दिया वहां पे, आहार निद्रा भय मैथुन। तो विश्वामित्र मुनि अपने मार्ग से मतलब पूरी तरह बर्बाद नहीं हुए वो, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो गए, राइट? सेकंड एग्जांपल है ययाति महाराज का। ययाति महाराज ये धार्मिक राजा थे, वो जब वन में घूम रहे थे उस समय उनको कौन मिला बताइए मुझे, भागवत में आपने पढ़ा है, कौन मिला उनको, कौन मिला ययाति महाराज को, अरे बताइए आप लोग, याद नहीं है आप लोगों को? शर्मिष्ठा देवयानी, ये कथा आपने सुना होगा, नहीं सुना? अच्छा, भक्ति देवयानी, प्रभु जी देवयानी, हाँ आपका अभी बाकी है भक्ति, हरि बोल, यस यस यस, सुना मैंने माता जी, यस यस यस, माधवकांत माता जी, यस यस। तो ययाति महाराज उन्होंने जस्ट केवल एक धार्मिक धर्म का
धर्म के लिए उन्होंने उनको हाथ दिया कि चलो भाई आपको बाहर निकलता हूं मैं, लेकिन वो जो पासिंग अटेंशन था वो क्या बन गया, इट बिकेम अ मोर देन अ पासिंग अटेंशन। तो आपको अगर कोई खूबसूरत स्त्री या पुरुष अगर हाथ में हाथ दे दे तो कैसा लगेगा आपको? अभी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे ये सब चीज, बट जस्ट टू गिव एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे जो आसक्तियां या प्रवृत्तियां वो इतनी घनघोर है कि किसी चित्र को देखेंगे तो भी हम विचलित। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मैं अगर किसी काष्ठ की पुतली, काष्ठ का अगर कोई वस्तु बना रहेगा उसको भी मैं देखता हूँ तो विचलित हो जाता हूँ। अभी भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, ये जब ऐसा कह रहे तो हमको कितना सतर्क रहना चाहिए, कितना सावधान रहना चाहिए ऐसी चीजों को सुनकर, राइट? तो ये दूसरा उदाहरण था ययाति महाराज का। वो धर्म, तो विश्वामित्र मुनि योग का मार्ग अपना रहे थे, ययाति महाराज धर्म का मार्ग अपना रहे थे, और तीसरा उदाहरण है भरत महाराज का। भरत महाराज की क्या गलती थी बताइए मुझे अभी? वो भी क्या मतलब ऐसा तो नहीं था कि वो किसी को मारना चाहते थे या किसी के प्रति उनको द्वेष था, वो तो दया के प्रति, करुणा थी उनके मन में, अरे ये हिरण्य का बच्चा मर जाएगा उसको उठा लो। बट अगेन दैट पासिंग अटेंशन बिकेम मोर देन अटेंशन। जो थोड़ा उनका जो काम था बिजनेस में, मतलब जैसे इसीलिए देखिए डिवोटी को कैसे होना चाहिए, ही हैज टू बी बिजनेस माइंडेड। जितना आवश्यक है उतना ही करना चाहिए, अननेसेसरी ज्यादा एक्सपर्टी नहीं दिखानी चाहिए अपनी। सारी दुनिया को उद्धार करने वाला भगवान है हम नहीं है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मैं सारी दुनिया का उद्धार करूंगा, इसको भी मैं ही किताब दूंगा, उसको भी मैं ही जप माला दूंगा, इसको भी प्रसाद मैं ही दूंगा। अरे किसको किसको क्या क्या करोगे, पहले अपना तो जप करो पूरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। होता है ना ऐसा कभी कभी, हम लोग इतना एंडेवर करते हैं किसी को भक्ति देने के लिए कि अपना ही भक्ति छूट जाता है, राइट? दया हमारे मन में है लेकिन दया हैज टू बी डायरेक्टेड इन अ राइट डायरेक्शन। तो ये भरत महाराज का उदाहरण हो गया। अब ये सब तीनों कैटेगरी जो उदाहरण है, विश्वामित्र मुनि, ययाति महाराज, भरत महाराज, ये सब रिलीजियस लोग है, धार्मिक लोग है, ये कोई पाप करने नहीं गए थे, लेकिन फिर भी क्या हो गया, देयर वाज अ प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि दया तो विषयांत प्रिंसिपल काम करता है पक्का 100%, राइट? अभी इसके अपोजिट उदाहरण है रावण का। रावण कौन था? पापी व्यक्ति था। अब एक्चुअली रावण ने सीता के बारे में डायरेक्टली कभी सुना नहीं, वो मतलब खुद जाके देखा नहीं उसने, लेकिन उसको सुनाया किसने? मीडिया ने सुनाया। किसने सुनाया? सोशल मीडिया। यस, सोशल मीडिया आ गया। अभी हम में से कितने लोग हैं, हमको कुछ दुनिया में क्या हो रहा है कुछ लेना देना नहीं, मालूम नहीं है, राइट? आर्मेनिया में वार हो रहा है, या पाकिस्तान में ऐसा हुआ, या यूएस में इतने लोग मर गए, या कोरोना से वहां वो मर गया, राइट? कुछ हमको लेना देना नहीं, मालूम नहीं। या फिर अर्णव गोस्वामी को ये हुआ, आज तक चैनल पे ये हुआ, रिपब्लिक में ये हुआ, आपको समय अपडेट रहना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि दैट पासिंग अटेंशन बिकम्स मोर देन अटेंशन। तो रावण को क्या हुआ था, खाली सुरपुणखा ने क्या किया, आके न्यूज दे दिया, अरे तुमको मालूम है सीता के जैसी सुंदर स्त्री तुमको मिलेगी, वो तुम्हारी होनी चाहिए। क्यों? अभी मीडिया भी हमको ये कहता है, ये आपको प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, बिग बिलियन डे चालू है अमेजोन पे, सॉरी फ्लिपकार्ट पे, ग्रेट इंडिया फेस्टिवल चालू है अमेजोन पे, प्रभु आपको खरीदना ही पड़ेगा, इतना सस्ता बाद में नहीं मिलेगा, कम ऑन प्रभु, गेट इट, इफ यू डोंट गेट इट राइट नाउ यू विल नेवर गेट, नेवर गेट, अब भी तुरंत ऑर्डर मारो। ये कौन करता है प्रेशर? हु इज गिविंग दैट प्रेशर? सुरपुणखा। जो मॉडर्न मीडिया है उसका कंपैरिजन सुरपुणखा के साथ किया जाता है, क्योंकि वो भी ऐसा ही काम किए थी और मीडिया भी ऐसे काम कर रहा है। तो फिर रावण ने सुना, सुनते क्या हो गया, संग लिया ना उसने, लेकिन संग लिया तो क्या हो गया, आसक्ति हो गई, राइट? और आसक्ति हुई, जब इच्छा पूरी नहीं हुई, ये तो इच्छा कभी पूरी होने वाली है नहीं, राइट? सीता मतलब भगवान की खुद की वस्तु, संपत्ति, वैसे ही इस जगत में जितने भी वस्तु है भगवान की संपत्ति है, हम उसको भोगना चाहते हैं, वो कभी पूरा होगा नहीं। देखिए मटेरियल चीज का क्या है, फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, कि ये चीज डेफिनेटली संग की वजह से आपको, सॉरी ध्यान करने की वजह से आसक्ति देगी ही देगी, और आसक्ति से क्रोध उत्पन्न होने वाला है, सॉरी आसक्ति से काम उत्पन्न होने वाला है, और काम से क्रोध गारंटेड होगा ही होगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक कोई भी चीज इस विश्व में नहीं है जो आत्मा, आत्मा एक स्पिरिचुअल वस्तु है, और ये जगत की चीजें जड़ वस्तुएं हैं, जड़ वस्तु और आत्मा स्पिरिचुअल दोनों का संयोग कभी हो ही नहीं सकता। तो आत्मा को कभी संतुष्टि मिलने वाली है ही नहीं इन जड़ वस्तुओं से। तो
सो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ क्रोधा आफ्टर डिजायर, राइट। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि या तो इसको रेगुलेट कीजिए या फिर इसमें पढ़िए मत। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें पढ़ना तो असंभव नहीं है, इसको अवॉइड करना, ठीक है, रेगुलेट कीजिए ना। रेगुलेट करने के इतने अच्छे अच्छे तरीके प्रभुपाद ने दिए हैं शास्त्रों में, और समटाइम रेगुलेट इज मोर बेटर देन जस्ट अवॉइडिंग इट कम्प्लीटली, क्योंकि उसमें आदमी स्टेबल रहता है, राइट। तो लाइक दैट ये चार पांच उदाहरण है, ये सब उदाहरण हमें ये दिखाते हैं कि ध्यान तो विषयांत तुमसे आपको काम करेगा। आप भले कोई भले प्राइम मिनिस्टर हो, आपने 1000 लोगों को प्रीच किया हो, या आपने एक आदमी को प्रीच किया हो, आप सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या नवदीक्षित भक्त हो या पुराना हो, कोई भी हो, ध्यान तो किया तो वो गया काम से। ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि भगवान की दृष्टि से भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी, राइट, वो डिस्कशन बाजू में रखिए। यहाँ पे हम टेम्परली ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे भरत महाराज ने भी बाद में कम बैक किया, वापस आ गए भक्ति में। विश्वामित्र मुनि ने भी अपना पाथ आगे रखा, ययाति महाराज भी आगे जाके आगे बढ़े और भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए, लेकिन डिस्ट्रैक्शन आया ना, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है तो इस श्लोक को हमें क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जब कभी भी हम किसी चीजों से विचलित हो जाए तो ये श्लोक याद आना चाहिए कि भाई ध्यान करोगे तो आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति से गुस्सा आएगा, राइट। तो अभी ये क्या है, ये सेक्शन थोड़ा नैनी टाइप का है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञानी की विजन लानी पड़ेगी। अब क्या होता है, कभी कभी आप लोग बोलेंगे कि ऐसे, या फिर आगे जाके या पिछले कुछ श्लोकों में भी प्रभुपाद ने उदाहरण दिए थे कि आपने इंद्रियों को कैसे समझना चाहिए, हमें सर्पों के समान समझना चाहिए, सर्प। आप बोलेंगे यार ये एकदम ऐसा नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं। आप ये बोलिए ना कि ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्चते, भक्ति में इंद्रियों को लगाओगे तो कितना, ये नेगेटिव एग्जांपल क्यों दे रहे हैं आप थोड़ा एकदम अजीब लगता है, इंद्रिया सर्प है। आप ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा बोलिए कि भगवान के अंश है इंद्रिया, भगवान की सेवा में लगाओगे तो भक्ति हो जाएगी, राइट, आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद इसको इस एंगल में क्यों दिखा रहे हैं, देखिए एक चैतन्य चंद्र का कोट है, इंग्लिश में बोलते हैं वो, बिफोर वी कम आउट ऑफ द इल्यूजन वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज इल्यूजन, बिफोर वी कम आउट ऑफ द इल्यूजन वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट एज इल्यूजन। मतलब हिंदी में सीधा सीधा अनुवाद यह है कि माया से बाहर पड़ने के पहले हमें यह जानना चाहिए कि यह माया है, नहीं तो माया से बाहर कैसे पड़ने का प्रयास करेंगे आप। आप जब उस चीज को बोलेंगे नहीं कि यह माया है, नहीं तो आप उससे बाहर पड़ने का प्रयास करेंगे नहीं। इसलिए पहले जानना चाहिए कि यह माया है, उसके लिए इसे एनालिसिस करना चाहिए। फिर जैसे जैसे हम उससे बाहर पड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ये माया है, तो फिर सत्य वस्तु क्या है, ओके कृष्ण है, चलो कृष्ण में ध्यान लगाओ। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, देखिए अभी के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, अभी इनिशियली हम क्या करते हैं, इंद्रियों को सर्प मान रहे हैं, या फिर मतलब किसी को देख लेंगे नॉन ड्यूटी, अरे माया माया, ये माया है मेरे लिए, हटाओ इसको हटाओ तो इतना भी अग्रेसिव नहीं होना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि कोई भी जो व्यक्ति है जो भक्ति में हमारे लिए साधक नहीं है, मतलब भक्ति को आगे बढ़ाने में सहायता नहीं करता है, वो हमारे लिए माया है। तो इनिशियली क्या होगा, एक ज्ञानी की स्टेज रहेगी हमारी, राइट। यानी कि जैसे टू गिव जस्ट एग्जांपल, जैसे हमारे कल्चर में हम जब स्त्रियों को देखते तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम स्त्रियों को, सबसे पहले स्त्रियों को क्या बोलते हैं हम लोग, चार पांच लेवल है, ज्ञानी लेवल में बोलेंगे माया, या फिर स्त्री पुरुष को बोलेगी माया, या पुरुष स्त्री को बोलेगा माया, ज्ञानी लेवल में, राइट। लेकिन धार्मिक लेवल में क्या बोलेंगे, माँ बोलेंगे, राइट, शी इज माई मदर और शी इज माई फादर। तो ज्ञानी लेवल हो गया एक स्टेज, दूसरा धार्मिक लेवल हो गया ज्ञानी धार्मिक, उसके बाद जब साधक स्टेज में आएगा, सॉरी धार्मिक लेवल में हो गया, धार्मिक लेवल है साधक स्टेज, वो माँ बोलेगा, लेकिन थोड़ा जब प्यूरिफाई हो जाएगा तो क्या बोलेगा, वैष्णवी बोलेगा, राइट। कितना फर्क हो गया, अभी देखिए कहाँ वैष्णवी और कहाँ माया, कोई मंदिर में आएगा बोलेंगे अरे उधर मत देख माया है उधर, जब भगवान के सामने दर्शन लेने के लिए खड़े हो जाएंगे आप, और आपके सामने भी कोई आके खड़ा हो जाएगा, वो भी भगवान को देख रहा है, आप भी भगवान को देख रहे हैं, और गलती से आपकी नजर ऐसे चली जाएगी, बाजू वाले प्रभु जी बोलेंगे माया उधर मत देखो, राइट। तो वो सामने वाला सुनेगा तो बोलेगा क्या मैं माया,
थोड़ा अजीब लगेगा, राइट, उससे भी अजीब लगेगा, बोलेंगे सर्प है सर्प, उसको मत देख, सर्प काटेगा डस लेगा, उधर मत देख, खाली वो बैठा है डसने के लिए तो ज्यादा अजीब लगेगा उससे थोड़ा एक लेवल ठीक है, सर्प नहीं है वो, क्या है, माता जी है, ठीक है माता जी नहीं है वो, केवल वैष्णवी है, ठीक है वैष्णवी नहीं है, फिर परम हायर लेवल पे क्या है, वो भगवान की दासी है, वो गोपी है या गोपा है वो। तो ये स्टेज धीरे 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 आएगा, लेकिन डायरेक्टली हमको ये नहीं आएगा वो गोपी है, फिर तो आपको फिर रासलीला याद आएगी, फिर और दूसरे माया में चले जाएंगे आप, डायरेक्ट गोपी बोलेंगे तो इसलिए प्रभुपाद ये सब उदाहरण दे रहे हैं, ग्रेजुअली असेंट कर रहे हैं वो। इसलिए टू बिफोर वी कम आउट ऑफ द इल्यूजन वी हैव टू रियलाइज दैट इट इज अ इल्यूजन, ये माया है, ये जानना जरूरी है, अदरवाइज हम माया से निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, राइट। तो ये सब इस 62 और 63 में सुंदर उदाहरण, अभी देखिए तात्पर्य में एक बीच में प्रभुपाद कंपेयर कर रहे हैं शिवजी का और ब्रह्मा जी का, सॉरी कंपेयर कर रहे हैं शिवजी और हरिदास ठाकुर का। प्रभुपाद देखो क्या लिखते हैं तात्पर्य, इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगे रहेंगे तो वे निश्चय भौतिकवाद में लगना चाहेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, ये मन जो है ना हमारा, ये हम जो बने हुए हैं, हम फिजिकली इनएक्टिव रह सकते हैं शरीर से, हो सकता है कि आप क्लास में ऐसे बैठे रहे, प्रभु जी आप सुनाते रहो, हम तो सोते रहेंगे, सुनाते रहो, लेकिन आप ऐसे फिजिकली इनएक्टिव रहेंगे तो क्या होगा, आपका मन नहीं घूमेगा क्या, आपका मन यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, कब क्लास खत्म होगी, थोड़ा पार्क में घूम के आऊंगा, या वो काम छोड़ दिया था वो पूरा हो जाएगा, कपड़े धोने थे कपड़े धोके हो जाएंगे, या फिर वो कल का असाइनमेंट था ऑफिस का वो बाकी है, तो आपका मन तो घूमने वाला है ना कहीं ना कहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं कि आप फिजिकली इनएक्टिव हो जाए लेकिन मन नहीं घूमेगा। इसीलिए देखिए मन में आप जो डालेंगे वो फैक्ट्री से बाहर नहीं, मतलब जैसे देखिए जो सांचा रहता है ना, किसका सांचा रहता है, आप घर में कभी वो बनाते हैं क्या, महाराष्ट्र में यहाँ बनाते हैं वो इडली नहीं, मैं क्या बता रहा था, हाँ ठीक है चक्की का, आपने मशीन का ये उदाहरण लीजिए या क्योंकि यहाँ पे अलग भाषा में बोलते हैं वहाँ अलग भाषा में बोलते हैं, वो जो रहता है ना कुछ, अच्छा सेव बनते हैं ना, सेव सेव ऐसे बारीक बारीक, वो मशीन रहती है उसमें चने का आटा डालते हैं फिर ऐसा घुमाते हैं गोल 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 फिर नीचे से ऐसा, राइट। तो आप मशीन के अंदर जो आटा डालेंगे या फिर जो चीज डालेंगे वो बाहर वैसा बन के निकलेगा, आपने मिट्टी डाला तो मिट्टी का निकलेगा जो खाने लायक नहीं रहेगा, आपने बेसन डाला तो बेसन निकलेगा, बेसन का खाने लायक रहेगा। मेरा कहने का तात्पर्य था कि मन में जो चीज आप ध्यान में करेंगे वो चीज जनरेट होगी, वॉट एवर यू कॉन्टेम्पलेट दैट विल बी जनरेटेड इन द हार्ट। आपने माया के ऊपर ध्यान किया तो माया निकलेगी हार्ट से, कृष्ण के ऊपर ध्यान किया तो कृष्ण निकलेंगे बाहर यहाँ से, राइट। तो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिवजी, सॉरी, इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषय के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाना और हम जैसे पतित जीवों के बारे में क्या कहा जाना, हम तो ब्रह्मा और शिवजी जैसे और स्वर्ग के देवता जैसे पावरफुल भी नहीं है। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाग जाइए जो लोग सुप्तावस्था में गए हैं, और जो सुप्तावस्था में वो जरा एकदम इन्फ्यूज हो जाइए। और यहाँ पे बीच में कंपैरिजन दिया गया है हरिदास ठाकुर और शिवजी का। अभी ये कंपैरिजन इस मामले में नहीं है कि कौन ग्रेट है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट कौन दिख रहा है, हरिदास ठाकुर दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे अरे फिर शिवजी, उनका पतन हो जाता है, ऐसा नहीं है शिवजी महान वैष्णव है, यहाँ पे खाली वो दोनों जो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसेस का कंपैरिजन किया जा रहा है। शिवजी मेडिटेशन कर रहे थे, यानी कि अष्टांग योग फॉलो कर रहे थे एक तरह से, तो मेडिटेशन वर्सेस भक्ति, इन दोनों का कंपैरिजन है, पर्सनालिटी का कंपैरिजन नहीं है, प्रोसेस का कंपैरिजन है। नहीं तो आप बोलेंगे यार शिवजी को उड़ा दिया हरिदास ठाकुर, ठीक है हरिदास ठाकुर परम भक्त है लेकिन शिवजी भी परम भक्त है, राइट। ओके, और फिर 63 में भी एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। यस 63 में बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी का कोटेशन है कि सही वैराग्य कौन सा है और झूठा वैराग्य कौन सा है। जैसे कि बीच में एक उदाहरण दिया गया है कि
निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, राइट? अतः वह अच्छे खाद्यों से बचा रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। सही है कि नहीं? मतलब किसी भी चीज को नेगेटिव से पॉजिटिव करने का तरीका भी भक्ति में है, ऐसा नहीं कि इसलिए। देखिए प्रभुपाद देखो आगे क्या लिखते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है, इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। जैसे आप बोलेंगे ये इंटरनेट बहुत बेकार है, इंटरनेट नहीं यूज करना, इंटरनेट, इसका पॉजिटिव उपयोग भी है ना अगर आप करेंगे तो, राइट? पॉजिटिव यूज भी है ना, नेगेटिव यूज करना चाहते वो भी है लेकिन पॉजिटिव भी है, राइट? वैसे भगवान व्यक्ति है, वो खाते हैं भोजन, वो कपड़ा पहनते हैं, राइट? वो सुंदर सुनते हैं गाना, या फिर मतलब जो भी हम करते हैं वही वो करते हैं भगवान। तो उन्हीं जो हम चीज कर रहे हैं फिर उसी को हम क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान भी वही करते हैं, मैं भी वही करता हूँ। फिर फर्क यह कि उसको हमें स्पिरिचुअलाइज करना है। भक्त कृष्ण भावनावृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं पाता, भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन में थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। क्योंकि इच्छा तो जीव में रहेगी रहेगी, इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो काम उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा तो भवकूप में गिरने ही वाला है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, प्रसाद लेते रहिए, आइसक्रीम लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान को ऑफर कीजिए, लीजिए, राइट? लेकिन लिमिटेड मात्रा में लीजिए। दूसरी माया यहाँ पे क्या होती है ना भक्तों के साथ, वो सोचते हैं सब कुछ स्पिरिचुअल है, हाँ पिकनिक कोई हिल स्टेशन वो भी स्पिरिचुअल है, क्रिकेट भी स्पिरिचुअल है, एवरीथिंग भी स्पिरिचुअल है, भगवान भी क्रिकेट खेले थे, भगवान भी घूमे थे, भगवान भी डांस किए थे, मैं भी डांस कर सकता हूँ। तो हर चीज़ को स्पिरिचुअल हम नहीं कर सकते बद्धावस्था में, समझे ना आप लोग? हम लोग अभी साधक हैं, साधक स्टेज में गिने चुने चीज़ों को ही हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते। जैसे नारद मुनि सप्तम स्कंद में उदाहरण आता है, जब उनकी प्रहलाद महाराज की माता जब नारद को प्रहलाद को गर्भ में लिए थी और हिरण्यकश्यप वन में चले गए थे तपस्या करने के लिए और देवताओं ने आक्रमण कर दिया, फिर वो अकेली थी तो उन्होंने देवताओं ने पकड़ लिया उसको, बोला कि इसको मारेंगे हम। तो नारद मुनि बोले कि इसको नहीं मार सकते आप, इसके गर्भ के अंदर कौन है, महाभागवत भक्त है। और फिर ऐसा बोल के समझा बुझा के देवता को उन्होंने वहां से जाने दिया और कायादु को लेके अपने आश्रम में चले गए। अभी आप बोलेंगे इतने बड़े ऋषि और एक स्त्री को आश्रम में लेके गए, इतने बाल ब्रह्मचारी हैं ये, और स्त्री को कैसे लेके गए वो आश्रम में? चलो मैं भी कल से प्रीचिंग करूंगा, किसी भी को भी प्रीचिंग करूंगा, कोई जवान होगा, बूढ़ा तो छोड़ दो लेकिन जवान रहे, कुछ भी रहे, तो हम कर सकते हैं क्या इमीडिएट उसको, हम इमीडिएट कर सकते हैं क्या? कल को आपको कोई भी लावारिस मिलेगा मार्केट, मतलब लावारिस नहीं, कोई बोलेगा प्रभु जी मैं आपके घर में आके रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप कितना अच्छा भक्ति का मुझे संदेश दे रहे, मार्ग बता रहे, ठीक है मैं थोड़े दिन आपके इधर रहूंगी या रहूंगा। तो गारंटीड पतन होना है अपना, क्योंकि हम लोग सिद्ध अवस्था में नहीं है। इसलिए स्पिरिचुअल हर चीज को करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लिमिटेड चीज को करनी चाहिए, अपनी क्षमता को देखे करनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी ये लोग भक्त इस श्लोक को देखते एक्सट्रीम आ जाते हैं, हाँ एवरीथिंग कैन बी यूज इन कृष्णा सर्विस, सब कुछ। अरे भाई अपना कैपेसिटी है, अपना एक पावर है, उसके बियॉन्ड गए तो फिर वापस उसका अपोजिट रिजल्ट आएगा। तो एनीवे, तो ये दो चीजें हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं 62-63, मनन करने लायक है, ध्यान करने लायक है, आप लोग ध्यान कीजिएगा, मनन कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 64 श्लोक में। नाउ अभी 64 से 72 अभी क्या चालू हो जाएगा, हाउ ही बताइए मुझे, 64 टू 67 में क्या होगा अभी, सॉरी 70, हाउ वी कंट्रोल एंड हाउ टू कंट्रोल सेंसेस। ओके, हाउ वी कंट्रोल द सेंसेस व्हाइल एंगेजिंग द सेंसेस, पहले वाला सेक्शन क्या था, मूविंग करते समय, अभी एंगेज करते समय, लेट्स मूव अहेड 64। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवैश्वर्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। रेवती प्राण प्रोपड़ी अनुवाद। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। करेक्ट, जो पिछले श्लोक में बताया गया है कि राग और द्वेष, राइट? राग यानी क्या आसक्ति और द्वेष यानी कि किसी चीज, कोई चीज ना मिले तो उसमें द्वेष उत्पन्न होता है, राइट? गुस्सा आता है, द्वेष होता है, या किसी के पास है तो अपने को गुस्सा आता है, द्वेष होता है, अरे उसके पास मेरे पास नहीं है,
मुझे भी मिलना चाहिए, उसे क्यों मिल रहा है, राइट। तो इन जो पिछले श्लोकों में बताया उन अगर आप मुक्त हो जाएंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, प्रसादम अधिगच्छति। अब ये प्रसाद क्या है, कौन सा प्रसाद है अभी ये बताइए मुझे, तात्पर्य वर्ड टू वर्ड में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत कृपा से, भगवत कृपा, भगवत कृपा, हाँ, भगवत कृपा को प्राप्त करता है, यानी कि हमारे लिए भगवत कृपा। देखिए सिंपल आपको उदाहरण देता हूँ, आज या आज के पहले ऐसी कई चीजें होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, जो कि आज माया है आपके लिए, राइट। आज से 10 साल पहले 20 साल पहले ऐसी चीजें आपके पास थी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आज क्या होता है, क्या यार मैं कैसा पागल आदमी हूँ, क्या चीजों में फंस गया था ठीक। ये जो रियलाइजेशन है, ये जो साक्षात्कार है, इसको बोलते हैं प्रसाद। भगवत कृपा से क्या मिलेगा आपको, प्रसाद मतलब ये नहीं कि मंदिर में जाऊंगा कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण को गले मिलाने कृष्ण मिल गए मुझे, राधा रानी आई मुझे आशीर्वाद देके गई, कितना प्रभुपाद मेरे सपने में आए थे मालूम है आपको, प्रभुपाद ने मुझे हाथ पकड़ा बोला बेटा कितना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूट किया तूने, तुझे मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा। ये सब प्रसाद नहीं है, ये प्रसाद है लेकिन दिस इज नॉट एक्चुअल प्रसाद। एक्चुअल प्रसाद इज व्हेन वी आर फ्रीड फ्रॉम द डिजायर फॉर लॉर्डिंग इट ओवर द मटेरियल नेचर। जब हमें मालूम पड़ेगा, अब सब लोगों को मालूम पड़ा है ना, नहीं पड़ा है बताइए मुझे, दिव्य प्रेम प्रभु बताइए, आज से 10 साल पहले ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको बहुत प्रिय थी, आज आपको देखते हैं अरे क्या यार टाइम पास ऐसा लगता है आपको बताइए। हरे कृष्णा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बता। ऐसा तो लगता है प्रभु जी पहले रहता था कि नहीं ये करना है वो करना है बहुत पैसा कमाना है, ठीक है जो जो मिल रहा है वो ठीक है बस वो है। दिस इज कॉल्ड एज भगवत साक्षात्कार, दिस इज कॉल्ड एज भगवत कृपा, दिस इज कॉल्ड एज प्रसाद, मतलब जो अननेसेसरी मोड ऑफ पैशन था वो कम हो गया, सत्व गुण में आ गया आप, ठीक है भाई। ये जीवन तो एक ही जीवन है, ऐसा नहीं कई जीवन जिए मैंने, उतना ही करना है जितना जरूरी है मुझे मेरे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, घर के लिए, राइट। दान के लिए माता जी कहाँ चले गए, दान के लिए माता जी ठीक है, माता जी साक्षात्कार करने के लिए चले गए लगता है। सेवा कुंज, सेवा कुंज है या क्या है पता नहीं है, सेवा कुंज। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि ये जो लोग वीडियो ऑफ रखते हैं वो पक्का घूमने चले जाते हैं। गारंटीड, जब मैं आवाज देता हूँ तभी आ जाते हैं सामने। हरे कृष्णा, नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है। आप हैं तो फिर इतना क्यों लग रहा है, मैं तो कहीं स्वर्ग लोक से तो नहीं बोल रहा ना, पृथ्वी लोक से ही बोल रहा हूँ ना। कि आओ जाने में टाइम लगेगी, वायरलेस टेलीफोन बहुत लंबा है। बताइए सेवा कुंज माता जी, बताइए ऐसी कोई भी चीज। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपको? यस, पूरी सबको आवाज आ रही है। अच्छा आपको टाइप पहले ये, हाँ बताइए बताइए, वो हमारे पास वो बस अब वो भी है उसी संतुष्टि मिल जाती है। ओके ओके ठीक है चलेगा, आपका आंसर चलेगा। शांतिपुर माता जी प्रोजी बताइए, चश्मा पहन लीजिए ठीक से तब दिखेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुजी मुझे ना घूमना बहुत पसंद था पहले, मतलब जैसे मॉल घूमना या कहीं हिल स्टेशन पे जाना, मुझे लगता था हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं जाना चाहिए। और अब लगता है धाम यात्रा जाना चाहिए। वाह, स्पिरिचुअल हो गया ना। मॉल में जाने के बाद तो धैर्य तो विशान इतना होता है बाप रे, ये टैलकम पाउडर ले लूं, ये लिपस्टिक ले लूं, ये उत्तरी ले लूं, ये बेबी के लिए ये कपड़ा वो कपड़ा ये वो दुनिया, बाप रे। वही मॉल आज आपके सामने स्मार्टफोन में आ जाता है, एक क्लिक कीजिए amazon.com flipkart.com, बस माया इतना हमारे अंदर आ चुका है आज। पहले माया को लेने के लिए हमें जाना पड़ता था, आज माया खुद आके बैठ गई है, ले बेटा तेरे सामने बैठते हैं, अभी बोल क्या करेगा क्या करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक युक्त असित मतपर नहीं करेंगे तब तक ये समस्या आने वाली है। युक्त असित मतलब हमारे लिए भगवत नाम का जप करना और चार नियम का पालन करना, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना, जब तक हम इस तरह युक्त नहीं होंगे प्रसादम अधिगच्छति होने वाला नहीं है, राइट। ओके, तो अभी इसके बाद ये था श्लोक नंबर 64। तात्पर्य में मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग
पढ़िएगा, कोई चीज आपको इम्पोर्टेंट समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा, राइट। 65 में जाते हैं। अब इसके बाद देखिए इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं 65 को। अब ये प्रसाद क्या है एक्चुअली और बताएंगे। प्रसादे सर्व दुखानां हाने अस्योपि जायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अनुवाद पढ़ेंगे, दान के लिए माता जी ठीक है नहीं है, माधवाकांत माता जी पढ़िए आप, माधवाकांत माता जी भी नहीं है, महादेव प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, कहाँ से आवाज आ रही है प्रभु जी? इसलिए दान के लिए नॉट वेल टुडे। ओ आप हैं क्या? अच्छा आप दोनों साथ में हैं क्या? ओके 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 ठीक है। फिर भी माता जी ने वीडियो लगा के मतलब ऑन करके रखा है, मानना पड़ेगा, मतलब शी वांट्स टू लिसन, तो ये बहुत बड़ी तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माधवकांत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा वाईफाई कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है। ओके ओके, मुझे आवाज बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रही। चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ओके, अनुपम कृष्ण पढ़ू, अनुपम कृष्ण प्रभु जी पढ़िए फटाफट 65। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। अरे कहाँ से आ गए? अजय बलराम प्रभु। अच्छा आप है? अनुपम दास बोल रहा हूँ। अच्छा आपकी आवाज उनके जैसे ही है। जी जी पढ़िए पढ़िए। इस प्रकार से कृष्ण भावना व्रत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। यस, पहले क्या कहा था? बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बुद्धि स्थिर हो जाती है। 62 में बोला था ना बुद्धि नाशत प्रणश्यति, अभी बोल रहे हैं बुद्धि पर्यवतिष्ठते, स्थिर हो जाएगी बुद्धि। कब? जब आपको प्रसाद मिलेगा तब। और अगेन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि त्रिताप दूर हो जाएंगे। ये त्रिताप दूर नहीं होंगे आपके लिए, याद रखिए, कान खोल के सुन लीजिए। आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक ये जो ताप है वो आते ही रहने वाले हैं, लेकिन इसके प्रति हमारा जो अप्रोच है वो चेंज हो जाएगा। आपका आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली। आज के पहले जब कोई भी इच्छा आती थी पूरी नहीं होती थी, या फिर हम चाहते थे कि अरे यार ये डिजायर क्यों आ रही है, नहीं चाहिए मुझे डिजायर, नहीं चाहिए, वो जो माइंड का क्रेविंग है ना वो बंद हो जाएगा, माइंड शांत हो जाएगा, भौतिक चीजें नहीं मांगेगा वो, दैट इज प्रसाद, वो आपको मिलेगा, राइट। और इस श्लोक में स्पेशली जो बुद्धि शब्द बोल रहे हैं, देखिए बुद्धि दो प्रकार का हो सकता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। देखिए अब तक हम सब लोगों का बुद्धि पर्यतिष्ठते नहीं हुआ है या हुआ है बहुत सारे लोगों का? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? आर यू एबल टू कनेक्ट व्हाट आई एम सेइंग? नहीं हुआ है प्रभु जी। हाँ, बुद्धि दो प्रकार का रहता है, एक तो आप अभी किताब पढ़ रहे हैं, राइट, प्रभुपाद आपको बता रहे हैं, या फिर मैं जहां से सुना हूँ या मैं अध्ययन किया हूँ या कंटेम्प्लेशन किया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और आप भी एनालाइज कर रहे हैं, बट लेकिन अभी भी हार्ट के अंदर वो उतरा नहीं है। हम सुन तो रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर उतरा नहीं है वो। हम जानते हैं कि ये चीज़ करूंगा तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम कभी कभी उस चीज़ में फंस जाते हैं। यानी कि इंटेलिजेंस हमारा क्या है, अभी एक्सटर्नल लेवल पे है, राइट। अब वो इंटेलिजेंस को क्या होना है? इंटरनल बनना है, तभी बोला जाएगा बुद्धि पर्यवतिष्ठते, वो बुद्धि में स्थिर हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं रहेगा तो हमें क्या करना चाहिए, या बुद्धि नहीं रहेगी तो क्या करना चाहिए, हमें बोरो करना चाहिए, उधार लेना चाहिए हमें। अभी हमारे पास किसी के पास बुद्धि नहीं है, कैसे जीवन जीना चाहिए, माया क्या है, कृष्ण क्या है, हमारा क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, हमको किसी को बुद्धि नहीं है, तो हमने क्या किया, बुद्धि को उधार में लिया है। किससे लिया है? गुरु से। वेरी नाइस आंसर। गुरु साधु शास्त्र से। गुरु साधु शास्त्र, इनसे हम क्या कर रहे हैं, बुद्धि उधार में ले रहे हैं। लेकिन उधार की बुद्धि कब तक चलेगी? जब तक वो अंदर जाके अपने नहीं बनेगी। उधार का खाता ज्यादा देर चलने वाला नहीं, अपने को भी कमाई करनी पड़ेगी ना। उधारी पे कब तक जीवन चलाएंगे आप? पैसा खुद कमाना पड़ेगा कि नहीं? आपको कोई बिजनेस करना है, आपने लोन ले लिया, लोन लेके उस पैसे से आपने अगर बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया तो फिर वो लोन लेने का फिर क्या फायदा? तो इसीलिए अभी हम सबको गुरु साधु शास्त्र बुद्धि दे रहे हैं, लेकिन वो बुद्धि उसको हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे जब तक, तब तक वो
इंटरनलाइज नहीं होने वाली है, यानी कि सिंपल भाषा में जब हमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चार नियम पालन करो, जपा करो, वैष्णव अपराध मत करो, शास्त्रों को पढ़ा करो और अपना जीवन सत्वगुणी तरीके से जियो, ये सब चीज हम सुन रहे हैं लेकिन जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक वो इनकम अपने सिस्टम में नहीं बैठने वाला, वो जब तक सिस्टम में नहीं बैठेगा तब तक बुद्धि परिवर्तिष्ठित नहीं होने वाला है। इसलिए इन दोनों के बीच का लिंक क्या है, प्रैक्टिस साधना, हम सब साधक हैं तो हम जब सुनेंगे तो इसलिए देखिए जब आप एक घंटा सुनते हैं तो 10 घंटा सेवा कीजिए, तब जाके वो एक घंटा जो सुना है ना वो अंदर उतरेगा, बिना सेवा के उतरता नहीं है कोई भी चीज अंदर। बाहर की दुनिया में लेक्चर देने वाले और लेक्चर सुनने वाले हजारों करोड़ लोग हैं, एकदम बढ़िया से बढ़िया, अभी देखिए ना आप इतने सारे टॉक शो चलते हैं, ये चलता है, कितने लोग देखते हैं उसको, कितने लोग देखते हैं और कितने इलोक्वेंट भाषा में लोग बोलते हैं, क्या सुन, मैं भी कभी सुनता हूँ तो मैं एकदम मोहित हो जाता हूँ क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऑल दैट बिकम्स यूजलेस अनलेस इट इज रियली प्रैक्टिस एंड इनकनेक्टेड इनसाइड द हार्ट। आप लेक्चर में बोल सकते हैं शांत रहिए, सच्चे रहिए, चोरी मत कीजिए, हाँ कितना अच्छा, बहुत अच्छा, बाहर जाने के बाद वही बिजनेस चालू हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसको हम प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए तपस्या करना पड़ता है, तपस्या यही है हमारे लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ध्यानपूर्वक जप करना रोज नित्य नियम से। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल बुद्धि जो है वो इंटरनल तब हो जाएगी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद क्या होगा आपका सारे जो तीन ताप की वजह से जो होने वाला आघात है वो बंद हो जाएगा, यानी कि हमारे जो डिजायर्स हैं, ये चाहिए वो चाहिए, वो सब बंद हो जाएगा। इवन नेक्रोमेंस्ट्रुएशन में प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सत्व गुण में आना पड़ेगा, राइट, आपने सुना होगा एनओआई के नेक्रोमेंस्ट्रुएशन के प्रीफेस में या इंट्रोडक्शन में कहीं तो है, प्रभुपाद लिखते हैं कि सबसे पहले हमें अपने आप को सत्व गुण में स्थित करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके अंदर से निकले आपको बताया जाएगा कि क्या करना है आगे। जब तक हम सत्वगुण में स्थित नहीं होते तब तक अंदर से वो नॉलेज बताया है भूमिका में, यस यस भूमिका में बताया गया है, तो तब तक ये आपके जब तक सत्वगुण में नहीं आएंगे तब तक आपको आगे क्या, क्योंकि सत्वगुण क्या होते हैं, नॉलेज, जब तक आप अपने आपको नॉलेज के प्लेटफॉर्म में सिचुएट नहीं करेंगे और खाली रजोगुण में रहेंगे तमोगुण में रहेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको आगे कैसे बढ़ना है क्या नहीं बढ़ना है, राइट। ओके, तो अभी 65 ये तो बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा होगा, नाउ अभी 66 में बताएंगे कि ऐसी बुद्धि जब मिल जाएगी आपको तो क्या होगा, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावयत शांतिर अशांतस्य कृत सुखम। अनुवाद पढ़ेंगे अद्वैत आचार्य प्रभु जी, पढ़िए। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, इसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख वो भी कैसे सकता है। करेक्ट, ये एक वापस एक सीरीज दे दिया, लिंक दे दिया, वन लीड्स टू अदर देन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि हमें युक्त तो होना पड़ेगा, वापस आगे देखिए, युक्त तो होना पड़ेगा, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जब तक आप अयुक्तस्य हैं, युक्त नहीं है, अयुक्तस्य मतलब क्या, कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाला, जो व्यक्ति परमेश्वर से संबंधित, यानी कि बेसिकली जो व्यक्ति गॉडली नहीं है या कृष्णा कॉन्शियसनेस या भक्ति या अध्यात्म के मार्ग को फॉलो नहीं कर रहा है, वो क्या होगा, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती है और ना ही उसका मन स्थिर होता है। जब बुद्धि स्थिर नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, मन स्थिर नहीं है, तो उसके बगैर शांति कैसे होगी, और शांति नहीं रहेगी तो सुख कैसे होगा। सुख का सबसे पहला लक्षण क्या, आप शांत हैं। सुख ऐसा नहीं होता कि आप एजिटेटेड हैं, अशांत हैं। पीस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर हैप्पीनेस, आप हैप्पी हैं, रिलैक्स्ड, कितना भी सिलेबस हो जाए कोई चिंता नहीं है। 65 to 65, 8:48 हो गए, राइट। अब ये तात्पर्य बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद का, इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, देखिए यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है, राइट। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्म में आसक्त नहीं होता, उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, अन्य कुछ नहीं, अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की, सॉरी मैं कहाँ चला गया,
64 में चला गया, सॉरी। आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? मैं वही ढूंढ रहा था प्रभु जी कहां से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि क्लास के खत्म हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। हम पीछे का पेज पलट के 64 चले गए। ओके, तो मैंने 66 में देखना है हमें। 66 में देखिए, बीच में 118 पेज नंबर पे दिया है। प्रभुपाद कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, सॉरी पीछे के इधर से पढ़ते हैं। आज इस श्लोक के साथ एंड करेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, ये हमारा आज का लास्ट श्लोक है, ठीक है? मेरी इच्छा तो थी हालांकि 72 कवर कर लूं, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। 66 इज द लास्ट। क्या आपकी आवाज कम आने लगी है? मेरी आवाज कम आ रही है? अभी आ रही है बराबर? हरे कृष्णा, थोड़ा स्लो आ रहा है, ठीक है, कंप्यूटर में घुस जाता हूँ अभी अंदर। अभी आ रही है आवाज मेरी? यस प्रभु जी, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, तो 117 पेज से जा रहे हैं प्रभुपाद, कह रहे हैं कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों का एकमात्र भोक्ता है, यानी कि 5.29 भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना हुई नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि मन क्या करेगा, फिर लक्ष्य ढूंढता ही रहेगा। देखिए, जब तक हम भगवान के चरणों के पास नहीं आते, तब तक आपको इस दुनिया में एक इंद्रिय वस्तु से दूसरी इंद्रिय वस्तु से तीसरी चौथी पांचवी छठी हजार लाख करोड़ अरबों इतने सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स के पास भटकता रहना पड़ेगा। जब आपका मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणों में आ जाएगा, तब शांत हो जाएगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल घर क्या है, वही है, उसका ओरिजिनल नेटिव प्लेस वही है, बोलते ना नेटिव प्लेस। जब तक वो परदेश में भटक रहा है तो ऐसे ही मार खाते रहेगा वो। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई कृष्ण भावना में नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। अब देखिए कितना क्लासिक लाइन है, मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। मन की चंचलता का कारण क्या है? अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जब कृष्ण के संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। यानी कि हम में से कितने लोग बोलेंगे, मैं तो डिवोटी हूँ, मेरा देखो तिलक कितना लंबा है, देखो इधर तक गया, ऊपर तक गया है, देखो मेरी कंठी माला कितनी मोटी है, देखो मेरा धोती कितना एकदम बढ़िया बॉर्डर का है, मालूम है कहाँ से खरीदा है? गिफ्ट शॉप में से खरीदा है, हमारे मंदिर के पूरे पैसे देकर खरीदा है, ऑफर किया भगवान को। आप लोग धोती ऑफर करते हैं भगवान को? नहीं करते? मैं तो भगवान को चप्पल भी ऑफर करता हूँ। जब नई चप्पल खरीदते तो भगवान को ऑफर कर देता हूँ, भगवान पहन लो आप एक बार, तो करना चाहिए ना सब कुछ ऑफर जब नया रहता है तो। लेकिन खाली भगवान को ऑफर करके पहनने से नहीं होता है वो, एक्सटर्नली हम कितना भी दिखाए हैं, लेकिन जब तक अंदर से युक्त असित मत्पर नहीं है हम लोग, तब तक बाहरी दिखावट एक दिन क्या हो जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? पर्दा गिर जाएगा, राइट? इसलिए देखिए प्रभुपाद एक सुंदर चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, नेक्स्ट लाइन देखिए, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, स्वयं प्रकट होने वाली, ये बाहरी संसाधनों से प्रकट नहीं होती है। जब तक अंदर आप अपने आप को युक्त असित मत्पर नहीं करेंगे, तब तक वो ये अंदर से आने वाली चीज है, बाहर बाहर से अंदर जाने वाली चीज नहीं है। जैसे मुझे याद है विवेक इंद्र प्रभु कहते थे, इंस्पिरेशन इज नॉट, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, तब आगे बढ़ा जाता है भक्ति में भी। अरे ना लिखना पड़ा दादा, दादा एक काम करवाना है बस। महादेव प्रभु आप म्यूट करिए अपने आप को। डीबी नंबर यूपीएसडीबी नंबर 4 बादरान प्रभु म्यूट कर दीजिए महादेव प्रभु को। शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता है। तो कहते हैं कि इंस्पिरेशन इज नॉट,
या फिर हिंदी में। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ही म्यूट कर दीजिए उनको। मेरे पास राइट नहीं है एक्चुअली। मेरे पास राइट है क्या, देखता हूँ। यस हो गया। सेल्फ मैनिफेस्टेड पीस, अंदर से आने वाली शांति। लेकिन इससे शांति नहीं बनेगी आपको जब तक आपका हृदय शांत नहीं होगा। इसलिए देखिए, सुंदर एक उदाहरण के साथ मैं एंड करता हूँ इसको। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ सेल्फ मैनिफेस्टेड, वो स्वयं प्रकट होती है। यानी कि देखिए, बाहरी संसाधनों से हम शांत नहीं हो सकते जब तक आप अंदर से शांत नहीं है। आप अपने आप को देखिए, जो लोग बोलते हैं ना प्रवचन में, बी काम, कूल, रिलैक्स, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, ये ऐसे बोलने से नहीं होता है जब तक आपके अंदर से नहीं निकल रहे हो। जब आपके अंदर होगा तो डेफिनेटली बाहर आएगा वो, और अगर अंदर नहीं रहेगा तो बाहर का खत्म हो जाएगा, पर्दा फाश हो जाएगा, गिर जाएगा वो पर्दा, और पर्दा के पीछे हमारी असली जरूरत दिखेगी। यहाँ पे कंठी नहीं है, कभी आप अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए आईने में जाके। आईने में देखिए, मैं तो डिवोटी लग रहा हूँ, मैंने अभी वैसे मैं देखता हूँ, मैंने हेयर शेव किया है, तिलक पहना है, लेकिन इसका मतलब क्या है? जब तक हम उसके मतलब को नहीं जीते ना, तब तक वो केवल जस्ट फॉर द नेम से, उसका कोई पॉइंट नहीं है, फिर वो हमको प्रॉब्लम ही करेगा आगे जाके। इसलिए देखिए, दो चीजें कही जाती है, एक तो होती है पीस ऑफ हार्ट एंड पीस ऑफ माइंड। आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? एक होती है मन की शांति, एक होती है हृदय की शांति। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये जो मन की शांति है ना, ये सब बाहर के लोग बोलते रहते हैं दुनिया के। जैसे बाइबल में कोटेशन है, बाइबल में बोलते हैं कि द पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग, द पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग, मतलब ऐसी शांति जो, अभी हिंदी में कैसे अनुवाद करें इसको, द पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग, मतलब सारी समझ के परे है ये शांति। जैसे देखिए, मतलब बाइबल में खुद एक्सप्लेनेशन देते हैं कि बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है ना, उसके जीवन में बाहर कितना भी उथल पुथल रहने दो, लेकिन जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है ना, वो पीसफुल रहता है, ही इज नॉट डिस्टर्ब। जैसे अम्बरीश महाराज, दुर्वास मुनि ने क्या क्या नहीं किया उनके साथ, ए राजन तुमने क्या किया मेरे साथ, छल कपट किया है, तुमको कौन बोला था उपवास तोड़ने के लिए, मैं आने वाला था ना, मतलब हमारे थोड़ी टपोरी लैंग्वेज में मैंने आपको बोला था मैं आ रहा हूं, ये बदतमीजी आपने करने का कैसे साहस किया, अभी आपको मजा चखाता हूँ, रुको, चलो रे बुलाओ, चार इधर से लोग, चार इधर से, गैंगस्टर लोग हमारे तो आपको वो मुनि, वो तो योगी थे, उन्होंने तुरंत उत्पन्न कर दिया, राइट। लेकिन अम्बरीश महाराज सिंपल गृहस्थ थे, वो आम आदमी पार्टी वो कोई बड़े नेता नहीं थे या बड़े कोई ये नहीं थे, बट ही इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, बिल्कुल, बोलिए आपको क्या करना है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं उस जगह पर तो मेरे को चिढ़ आ जाती, तुमको कुछ नहीं हो रहा है, तुमको कुछ भी नहीं, मैं इतना गुस्सा, कुछ नहीं हो रहा है, उससे मेरे को और गुस्सा आ जाता लेकिन, और आपको उससे गुस्सा आ गया होगा दुराज मनी को, लेकिन अम्बरीश महाराज को हम बोलिए आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि उनको क्या टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान मेरे लिए जो करेंगे सही करेंगे, मुझे मारना है तो मारेंगे, मुझे जिंदा रखना है तो जिंदा रखेंगे, मुझे क्या टेंशन है। यहाँ पे मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, गोलोक में जाऊंगा तो उधर भी सेवा करूंगा, जब मेरा तत्व ही सेवा करना है तो यहाँ रहूं या वहां रहूं, या दिल्ली में रहूं, मुंबई में रहूं, कलकत्ता में रहूं, गांव में रहूं, शहर में रहूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे सेवा ही करनी है हर जगह जाके, मेरा भक्ति तो कहीं नष्ट होने वाला नहीं है, राइट। इसलिए बाइबल का कोटेशन, पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि देखिए, कहने का अर्थ ये है सिंपल भाषा में कि जो हार्ट, जो मन की पीस होती है ना, वो टेम्पररी होती है बेसिकली। कुछ लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं, मैं कितना पीसफुल, मतलब ये जगह कितनी पीसफुल है, वाह नदी है, नदी के किनारे रिजॉर्ट है, एक सो पीसफुल, इतना ठीक है, थोड़ा एक डिश चिकन लेके आ जाना, शांति से खाऊंगा। आई मीन दिस इज नॉट अ पीस, पीस की ये डेफिनेशन नहीं है। अगर आपके मन में सही में पीस थी ना, तो आपको ये वायलेंस करने में इच्छा नहीं होती आपको, राइट। लोग बोलते हैं आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई एम लिविंग इन अ प्लेस दैट इज सो स्पिरिचुअल, और बाजू में नो कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो टोटली नॉन स्पिरिचुअल है। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि हैप्पीनेस माइंड के लेवल पे दैट इज स्पिरिचुअल। लोग मिस कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं बहुत सारे, उनको लगता है कि मतलब मैं
हैप्पी हूँ, माइंड में खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, हाँ मैं स्पिरिचुअल हूँ, ऐसा नहीं है भाई। स्पिरिचुअल की डेफिनेशन बहुत अलग है। या फिर इसको और समझाने के देखिए, एक उदाहरण देता हूँ। आपके पास पता नहीं मेट्रो मेट्रो ट्रेन चलती है ना दिल्ली में, आपके तो भी नहीं मेट्रो चलती है नोएडा में, ओके आप लोग मेट्रो में तो मेट्रो में इतनी भीड़ नहीं रहती है, रहती है क्या भीड़ रहती है? बॉम्बे लोकल जैसे भीड़ रहती है क्या? ठीक है, तो ये उदाहरण आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बॉम्बे लोकल में आना पड़ेगा। जैसे बॉम्बे लोकल में इतनी गर्दी रहती है, समझो एक छोटा एक माँ है अपने बच्चों को कंधे पे लेके जा रही है ना, इतनी भीड़ है कि सब लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, माँ भी परेशान है लेकिन बच्चा शांति से सोया हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन धक्का दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कोई चिल्ला रहा है, क्यों क्यों ऐसा होता है बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? उसको पता है कि वो माँ के पास है, माँ से पूछा करेगी। यस करेक्ट। वैसे ही कृष्ण भक्त जब उसको मालूम पड़ता है कि भगवान ही मेरा सब कुछ है, जब मैं भगवान से कनेक्ट हो जाऊंगा, भगवान ही मेरा सब कुछ देने वाले हैं, मेरी बोलने की शक्ति, मेरी सुनने की शक्ति, मेरी एग्जाम देने की शक्ति, एवरीथिंग इज गिवन बाय कृष्ण, देन वी बिकम पीसफुल, राइट? तो वैसे हम स्टेज पे आना है, और जब ऐसे स्टेज पे आएंगे तो आपको सही में पीस ऑफ हार्ट मिलेगा। अब तक हम खाली पीस ऑफ माइंड लेके घूम रहे दुनिया में, और वो पीस ऑफ माइंड टेम्पररी है, कभी भी छीन लिया जा सकता है, क्योंकि मन क्या है, चंचल है, आज ये बोलेगा वो बोलेगा, ये चाहिए कल वो नहीं चाहिए, मन भटकता रहेगा। लेकिन जब हमारा हार्ट पीसफुल हो जाएगा तो हार्ट से, क्योंकि आत्मा अगर शांत हो जाएगा तो आत्मा के नीचे अहंकार है, अहंकार शांत हो जाएगा, अहंकार के नीचे बुद्धि है, बुद्धि शांत हो जाएगी, वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेगी, ये चाहिए वो चाहिए, बुद्धि शांत हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगी, इंद्रिय शांत हो जाएंगी, इंद्रिय शांत हो जाएंगी, शरीर शांत हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे। तो ये पूरा हायरार्की ऊपर से आता है, आपको तीसरे अध्याय में जाके आएगा। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि युक्त असिद्ध मत पर अगर हम हो जाएंगे तो हमको ये पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, अदरवाइज संभव नहीं है। तो आज इसके साथ ही विराम देते हैं, 67 से हम चालू करेंगे अगली बार। अब कोई भी यहाँ से निकलिए मत बाहर, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए। तो श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, वांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो अभी नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगी हुई है, तो मैंने प्रभु जी को पूछा है कि प्रभु जी मैं आपका मतलब चैप्टर वाइज एग्जाम ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। तो प्रभु जी बोले कि ठीक है, मैं मेल डालता हूँ, मतलब वो रेडी है, बट अभी जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव कमेटी रहती है इस्कॉन की, जो आपको सर्टिफिकेट देती है, बोले कि मैं उनको पूछता हूँ, अगर वो ओके करेगी तो यू गो अहेड, आई हैव नो प्रॉब्लम, अगर वो ओके नहीं करेगी तो देन वी हैव टू स्टिक टू आवर ओल्ड फॉर्मूला ऑफ 6 चैप्टर्स। दिस इज फर्स्ट नोटिस। दूसरी नोटिस ये है कि आप लोगों का 7वां अध्याय गीता का 7वां चैप्टर चालू होने जा रहा है 16 नवंबर को। तो आप बोलेंगे ये कैसे होगा, अभी तो तारीख क्या चल रही है, 24 अक्टूबर चल रही है, कितने दिन बचे हैं, 3 ही हफ्ते बचे हैं, 3 हफ्ते में 4 चैप्टर हो जाएंगे। लेकिन मुझे अतुल कृष्ण प्रभु से ऑलरेडी आया है, नोटिस आया है, उन्होंने बोला है कि वो पंजाबी बाग का चालू करने वाले हैं 7 से 14 अध्याय का सीरीज, तो उसमें आप लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं वो, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला है कि आप क्या करो, 3 हफ्ते में अगले 4 चैप्टर पूरे कर दो। तो देखिए अभी पैनिक मत हो जाइए आप लोग, मेरा एक अपना स्टाइल है अंदाजे पढ़ाने का, उनका भी एक है, मैं आई रिस्पेक्ट दैट, इसलिए मैं उनको कभी किसी चीज़ को अतिक्रमण नहीं करता हूँ, वो जो बोलेंगे वो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना उनको ना बोलूँगा ना हाँ बोलूँगा, क्योंकि ना बोलूँगा तो गुरु अवज्ञा हो जाएगी, हाँ बोलूँगा तो आप लोग पैनिक हो जाएंगे। तो बीच का रास्ता ये है कि हम जैसे चल रहे चलते दे देंगे, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। 14 नवंबर या 15 नवंबर को जितना होगा होगा। फिर अभी ये तो क्लियर हो गया कि आपकी एग्जाम मतलब ये इतना फास्ट अगर जाने वाला है तो आपकी एग्जाम प्रभु जी ही लेंगे, मैं तो लेने वाला नहीं हूँ एग्जाम, क्योंकि मैं तो इतने छोटे 3 हफ्ते के गैप में मैं आप लोगों से पढ़ाई नहीं करवा सकता, ना ही आपके एग्जाम करवा सकता हूँ डिटेल में। तो इसलिए ये तो तय हो गया है पूरा कि 6 चैप्टर की जो पढ़ाई है वो प्रभु जी के ही सिलेबस के हिसाब से हो जाएगी, आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। रहा मामला सिलेबस का, सिलेबस
मैं रश नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा वो आदत है नहीं, मैं कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं रश करूंगा तो मेरा भी बाउंसर जाएगा, मैं भी नहीं समझ पाऊंगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग को पता नहीं, आप लोग को शायद समझे। मैं तो चैप्टर फ्लो दे के जा सकता हूँ आगे, चैप्टर फ्लो दूंगा, कनेक्शन दूंगा, हो गया चैप्टर, ऐसे खत्म करने के लिए तो दूसरा चैप्टर कभी खत्म हो चुका होता। बट अभी उनका एक अपना अंदाज है पढ़ाने का, मेरा एक अंदाज है, तो मैं तो उन्होंने मुझे बोला ऐसा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि होना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने काइंड ऑफ बोला कि होना चाहिए, तो ऐसा प्रभु जी का मंतव्य है। अभी आप लोगों को कुछ अगर आपकी टीका टिप्पणी रहेगी तो आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए, डिसाइड कीजिए कैसे कोर्स को आगे बढ़ाना है, कैसे लेके जाना है, क्योंकि कोर्स पार्टिसिपेंट तो आप लोग हैं, प्रभु जी एक मेन फैसिलिटेटर है, मैं तो जस्ट ए गेस्ट हूँ, आया हूँ कुछ दिन के लिए धर्मशाला में धर्मशाला में रहूँगा, निकल जाऊँगा यहाँ से, आप लोगों की नहीं है आपके पास, आपकी बोट आपके पास, बोट में से उतर जाऊँगा मैं तो कुछ समय के लिए साथ में आते तो आसक्ति हो जाती है लेकिन आसक्ति को इच्छा के रूप में बदलने नहीं देना है, काम में बदलने नहीं देना है, जो वो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है, राइट? जी आपने तो बॉम्ब डाल दिया बॉम्ब मैंने नहीं डाला है, बॉम्ब तो उन्होंने डाला। देखिए अभी आपका क्या है? नहीं, एटम बॉम्ब अरे आप लोग को खुश होना चाहिए, आपकी एग्जाम तो अभी प्रभु जी के पैटर्न से होने वाली है, तो यू शुड बी हैप्पी, प्रभु जी के क्वेश्चन तो इतने इतने सही है, आंसर भी दिया है, तो आपका तो हो जाएगा सिलेबस, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, यू विल बी हैप्पी, राइट? हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी एक एक करके बताइए मुझे, अभी कौन है यहाँ पे? रुक जी, हम लोग फिर। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। यस, रुक जी, हाँ, यू आर हैप्पी? कैन यू हियर मी प्लीज? यस, आई एम हियरिंग यू। आर यू हियरिंग मी? यस, आई एम हियरिंग यू। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। कैन यू डू वन फेवर? Actually, so you sent all those questions to us so that we can paper accordingly, because ultimately that ball is in the court of Adhru Krishna Prabhu. So we will at least get answers so that we could save a little time, and that time can be devoted for preparation of the final exam. Prabhu ji ne aapko already answer diya hai na, wo shlok ke bracket mein to likha hua hai, shlok number itna itna question ke likha hua hai na aapke wo question bank ke andar Prabhu ji ke. No, Prabhu ji, but he has not provided us question bank. प्रभु जी ने कहा था देने के लिए कुछ और भी क्वेश्चन बैंक के लिए, पता नहीं है उसके बाद दिया नहीं, तब तक आप आ गए। प्रभु जी ने भी ईश्वर परिषद और उपदेशामित में अलग से क्वेश्चन बैंक दिया था। Okay. So we were expecting, like, you know, he'll be giving the same sort of question sheet for this Bhagavad Gita also. So far he has not given. Okay. So क्योंकि अभी तक तो हम यही discuss कर रहे थे कि मैं लूँगा, या मतलब अभी तो रस्सी खींचने चली जा रही थी, वो लेगा, ये लेगा, वो लेगा, ये लेगा। तो अभी तो clear हो गया कि वही लेंगे, क्योंकि इतने तीन हफ्ते के सिलेबस में मैं तो नहीं ले पाऊंगा आप लोगों का, क्योंकि जिस स्टाइल से मैं पढ़ाता हूँ उस स्टाइल से तो असंभव है, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, तात्पर्य समझने के लिए टाइम लगेगा, मेरे क्वेश्चन आपको समझने में टाइम लगेगा, आंसर देखने में टाइम लगेगा, तो इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल। तो मैं तो ये होप कर रहा था कि यस यस प्रभु जी बोलिए। एकदम प्रभु जी, वन मोर हम्बल रिक्वेस्ट प्रभु जी, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव फ्रॉम प्रीफेस टू चैप्टर 6, यू प्लीज प्रोवाइड दोस क्वेश्चंस टू अस विद आंसर, सो दैट वी विल बी एबल टू सेव आवर टाइम। कौन से? लेकिन फर्स्ट चैप्टर के नहीं, फ्रॉम Preface onwards, whatever questions you have, you please supply to us. देखिए, preface तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, introduction भी मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने खाली आपको first chapter पढ़ाया, second chapter पढ़ाया. Actually, at least we would have answers, so that we would be able to save some time. नहीं नहीं, लेकिन अभी question तो इसमें से आने वाले नहीं है ना, तो फिर आप प्रभु जी अगर सही कह रहे हैं, अगर प्रभु जी question दूसरा question bank देंगे तो प्रभु जी का question bank दूसरा हो जाएगा, फिर मतलब क्या हुआ? हाँ, आपको पर्सनल पढ़ाई के लिए चाहिए तो मैं दे सकता हूँ आंसर, आपको पर्सनली पढ़ाई करना है, रिलीज करना है, गीता क्या है, कौन से पर्पट में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, तो आई कैन गिव। बट देन अभी आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मतलब मेरा अभी क्वेश्चन में इररिलेवेंट हो गया आपके लिए, इररिलेवेंट कॉमन रहेंगे तो हम लोगों के लिए सुविधा रहेगा, और
देखिए कॉमन रहेंगे लेकिन क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका उनका अलग है मेरा अलग है. ही इज इंडिविजुअल आई एम इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल मैं इंडिविजुअल हूँ. सेम प्रश्न में थोड़े अलग अंदाज से पूछूंगा, अलग अंदाज से पूछेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यही है क्या वही है. देखिए मेरा ये हमेशा से अंदाज रहा है और मैं फ्रीली और ओपनली कोर्स करता रहता हूँ. आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और ना ही आपको अतुल कृष्ण प्रभु ने मुझे ऐसा बोलने के लिए कहा, बट आई डू नॉट नो. आप लोग जैसे उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहें कर सकते हैं, आपको जो सुटेबल है नहीं है, लेकिन मैं इस दोनों के बीच में नहीं पढ़ूंगा मामले में कि अरे आप कुछ बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे, क्योंकि ये कोर्स ओरिजिनली आप लोगों का ही चल रहा है. मैं तो जस्ट एक गेस्ट पढ़ाने के लिए आया, जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन मिलेगी मैं वैसे हट जाऊंगा या फिर आ जाऊंगा, व्हाट एवर द वे. Thank you, yes. Very Prabhu. Yes, Prabhu. If something might have hurt you, I apologize for that. नहीं, ऐसा कुछ नहीं प्रभु जी, उसमें हर्ट क्या है. आई एम जस्ट अ कोर्स टीचर, वो भी मैं खाली आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूँ. नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ठीक है, अभी दो संभावना यहाँ पे है एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न. या तो आपको हफ्ते के चार दिन करने पड़ेंगे, या तो आपको चार दिन, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे लिए भी संभव नहीं है चार दिन. मैं आउट ऑफ टाइम जा रहा हूँ, मेरे एक्चुअली बहुत सारे दूसरी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ टाइम जा रही है. तो तीन ही दिन हो सकता है, लेकिन तीन दिन में, अभी तीन हफ्ते में कितना कवर होगा आई डू नॉट नो. मे बी फोर्थ चैप्टर तक जाएंगे हम, या फोर्थ चैप्टर, मे बी फिफ्थ चैप्टर टच कर लेंगे हम लोग, फोर्थ चैप्टर तक मोस्टली. यस राधिका प्राण प्रभु कहाँ चले गए. तो प्रभु जी तीन दिन में कुछ, वी कैन इफ इंक्रीज सम टाइम लाइक यू नो इंस्टेड ऑफ 7:30 वी कैन स्टार्ट 7 इफ पॉसिबल फॉर समवन एग्री विद दैट. ऑल इज पीपल आर एग्री देन वी कैन स्टार्ट विद 7:00 आल्सो. आई मीन यस प्रभु जी आप कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं. अरे वाह, मैं कार्यवाहक हूं प्रभु जी, बस केवल लिंक कहीं कार्य को कार्यवाहक बनते बनते बोझ से दब ना जाए आप. जी प्रभु जी बताएं क्या. मैं हम सॉरी, जरा एक फोन आ गया था तो वो अटेंड कर रहा था जी. तो आप लोग ओके हैं इसके साथ. जी, मेरे हिसाब से तो मैं तो देखिए स्टूडेंट हूँ, टीचर्स जो डिसाइड करेंगे वी हैव टू फॉलो. अब देख लीजिए हम लोगों के लिए जो उचित हो आप सब डिसाइड करके एक फाइनल करिए. बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या ओपिनियन अपनी दे सकते हैं, मैं तो ऐसा फील करता हूँ. हम तो आई एम ओके विद व्हाटएवर द डिसीजन विल बी टेकन बाय द टीचर्स, आई विल गो विद दैट. तो हमें लग रहा है कि बेहतर यही होगा कि सब निर्णय लेकर हम लोगों को बता दें. अगर बहुत ज्यादा कोई दिक्कत होगी तो हम सब अपना ओपिनियन कुछ शेयर कर सकते हैं, बट अगर आप सब वैसे भी विश्वास है कि हमारे हित की ही सोचेंगे, जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, और कोई अनुभव तो है नहीं प्रभु जी ज्यादा हमारे पास. क्या प्रभु जी ने जैसा आप पॉलिटिकल आंसर दे दिए. ना मैं इस पार्टी का हूँ, ना मैं उस पार्टी का हूँ, ना मैं मेरी खुद की पार्टी का हूँ. वही नहीं, कोई बात नहीं. तो ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिएगा. वैसे अतुल कृष्ण प्रभु से राधिका प्राण प्रभु बात कर सकते हैं कि एग्जाम तो जैसे मैंने अभी कन्वे किया, तो प्रभु जी आपको क्वेश्चन बैंक दे देंगे. आप लोग तैयारी कीजिएगा और सिलेबस कोशिश करेंगे बढ़ाने का. आगे तीन हफ्ते अभी हमारे पास हैं और होपफुली सब कुछ ठीक रहेगा, मेरी हेल्थ भी ठीक रहेगी. तो अगर कुछ बीच में हो गया तो अलग बात है, बट अगर ठीक ठाक चलेगा तो चलता रहेगा. और एवरेज देखिए कैसा होता है, एक क्लास में 10 श्लोक कवर करने का अगर हम प्रयास करेंगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, तो थर्ड फोर्थ एवरेज देखेंगे तो 30-40 श्लोक ही है एवरेज. तो अगर एक चैप्टर को एक हफ्ता माना जाए तो भी पूरा हो सकता है. तो समझो अगर एक हफ्ते में एक चैप्टर हो रहा है तो अभी दो हो गए, 3-4-5 चैप्टर तो ऐसे ही पूरे हो जाएंगे तीन हफ्ते में. फिर हो सकता है कि एक चैप्टर के लिए थोड़ा हमको मशक्कत करना पड़े, फिर वो हम देखते हैं कैसे करना है, कुछ एक्स्ट्रा क्लास करके या किसी संडे के दिन कुछ एक्स्ट्रा एक मैराथन करके, वट एवर द वे इट गोज. ठीक है,
ओके हरे कृष्णा। तो बाकी फर्दर जो रहेगा वो प्रभु जी आपको कन्वे कर देंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय।